संपूर्ण पराधीनताओं से मुक्त होना है। शरीर की पराधीनता है रोग, इंद्रियों और मन की पराधीनता है विषय भोग। हमें शरीर की पराधीनताओं से मुक्त होना है, मन की पराधीनता इंद्रियों की पराधीनता से हमें मुक्त होना है, भाषा की पराधीनता, वेशभूषा की पराधीनता, भेषज की पराधीनता, अर्थव्यवस्था की पराधीनता, न्याय व्यवस्था की भी पराधीनता, फिर कैसी स्वाधीनता, कैसी स्वतंत्रता। भारत स्वाभिमान का यह व्यवस्था परिवर्तन का अभियान, हम स्वयं से इस व्यवस्था परिवर्तन को शुरू करेंगे। आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन तक की हमारी संघर्षपूर्ण यात्रा है, एक सामाजिक यात्रा है हमारी, एक आध्यात्मिक यात्रा है हमारी। हम आत्म परिवर्तन से प्रारंभ करके अपनी इस यात्रा को राष्ट्र की व्यवस्था परिवर्तन तक लेकर के जाएंगे, और यदि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें आवश्यकता पड़ी, हमारा प्रथम प्रयास होगा कि सत्ताओं पर आसीन लोगों को हम देश की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, देश में से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रेरित करेंगे। पूरे देश का एक सामाजिक दबाव, सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक चारित्रिक नैतिक अंकुश उन पर स्थापित करने की कोशिश करेंगे, और यदि हमारे संपूर्ण प्रयासों के बावजूद, संपूर्ण आंदोलनों के बावजूद, क्योंकि 2010 तक हमें अपनी संगठनात्मक शक्ति को और ज्यादा इतना विस्तीर्ण बनाना है कि देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोग भारत स्वाभिमान के सदस्य के रूप में पूरे देश में खड़े हो जाएं, क्योंकि जब कोई परिवर्तन होता है तो बिना जनशक्ति के नहीं होता है, और जनशक्ति का नेतृत्व करने के लिए चरित्रवान निष्कलंक जीवन की आवश्यकता होती है। हम अपने जीवन को पूर्ण पारदर्शी बनाना है, जीवन में पूर्ण पवित्रता, आर्थिक शुचिता, चारित्रिक शुचिता, आर्थिक शुचिता चारित्रिक शुचिता के साथ एक आदर्श व्यक्तित्व, आदर्श चरित्र को हमें स्थापित करना है अपने जीवन से। मैंने कहा इसे जगत को परिवर्तित करना है। बहुत लंबी है हमारी यात्रा, बहुत संघर्षपूर्ण है हमारी यात्रा। व्यवस्थागत पराधीनताएं, विचारगत पराधीनताएं, इन समस्त बंधनों से हमें मुक्त होना है, और पूर्ण स्वाधीनता पूर्ण स्वतंत्रता हमको पानी है। स्वाधीनता ही सुख समृद्धि शांति और वैभव का आधार होती है। आज हम जहां जी रहे हैं उसका मंथन करें, चिंतन करें, क्या हम सच अर्थों में स्वाधीन हैं। और जब हमको ये बोध होगा, हमको जब ये ज्ञान होगा, जब हमको एक एहसास होगा यह कि हम कहां स्वाधीन हैं, अभी तो पराधीनताओं में जी रहे हैं, और जब पराधीनताओं का हमें बोध होगा तो उन पराधीनताओं की बेड़ियों को हमें पूरी तरह से तोड़ना है, और सच्चे अर्थों में हमें संपूर्ण आजादी पानी है, संपूर्ण स्वाधीनता पानी है। ये पराधीनता की सारी बेड़ियों को हमें ध्वस्त करना है, और इन क्रांतिवीरों और महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना है। कहां कहां छाई है हमारे जीवन में, हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे राष्ट्र में पराधीनता गुलामी, इसी विषय में संवाद करने के लिए मैं भाई राजीव जी को आमंत्रित करता हूं कि किस तरह से हम गुलामी की निशानियों को मिटाएं और संपूर्ण स्वाधीनता पाएं। भाई राजीव जी। परम पूजनीय स्वामी जी,
भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, भारत देश में गुलामी की जो निशानियां बची हुई हैं, इस विषय पर बात करूंगा। भारत देश कहां कहां अभी भी गुलाम है अंग्रेजों का, अंग्रेजियत का। भारत देश अभी भी कहां कहां गुलाम है विदेशियत का, इस विषय पर मुझे आपसे बात करनी है। अगर हम भौतिक रूप से देखेंगे तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन जैसे किसी का शरीर होता है जो भौतिक इकाई है, ऐसे शरीर की एक और इकाई होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं, मन कहते हैं। बिना आत्मा और बिना मन के शरीर का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही राष्ट्र का होता है। राष्ट्र का एक भौतिक शरीर होता है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, राष्ट्र की अपनी एक आत्मा भी होती है, राष्ट्र का अपना एक मन भी होता है। तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत भौतिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया, भारत की सत्ता का हस्तांतरण भारतवासियों के हाथ में हो गया, लेकिन मन और आत्मा से अभी भी भारत देश गुलाम है अंग्रेजों का, अंग्रेजियत का, विदेशियत का। ये मन और आत्मा की गुलामी क्या है? वो गुलामी ये है कि कहने को हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे पर्व मनाने का अवसर प्राप्त है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता अभी आई नहीं है और गणतंत्र हमारा अभी बना नहीं है। अगर स्वतंत्रता शब्द का अर्थ समझने की आप कोशिश करेंगे तो इसको संधि विच्छेद करें, स्व और तंत्र। स्व माने अपना, हमारा, तंत्र माने व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में सब सिस्टम कहते हैं। तो हमारा तंत्र या हमारी व्यवस्था स्थापित हो तो हम कहें कि भारत स्वतंत्र है। लेकिन आजादी मिलने के 63 वर्षों के बाद भी हमारे भारत देश की एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हमारी अपनी स्थापित की हुई हो। एक भी तंत्र हमारे देश में ऐसा नहीं बन पाया जो हम भारतवासियों के प्रयासों से और हमारे अभिक्रम से बना हो। हमारे यहां सभी व्यवस्थाएं, हमारे सभी तंत्र अंग्रेजों के बनाए हुए हैं और अंग्रेजियत में डूबे हुए हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो कोई भी देश जब आजाद होता है किसी दूसरे देश की गुलामी से, तो सबसे पहले वो देश, सारी दुनिया का इतिहास ये बताता है कि दुनिया में कभी भी कोई देश गुलाम हुआ और फिर आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद कोई भी देश अपनी भाषा को ठीक करता है और अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और भाषा किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। हम भारत का विकास करना चाहते हैं, दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाना चाहते हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी भाषा की व्यवस्था ये अपनी होनी चाहिए, तभी हम भारत को दुनिया में सबसे ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जो देश भी सबसे ऊपर गए हैं उन्होंने ऐसा ही किया है। हम किसी भी देश का नाम लेके उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अमेरिका नाम का देश दुनिया में बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। आज से करीब लगभग 200 वर्ष पहले तक अमेरिका का कोई खास अस्तित्व नहीं था पूरी दुनिया में। 200 वर्ष पहले के इतिहास की किताबों में ढूंढेंगे तो अमेरिका के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पिछले 200 वर्षों में अमेरिका बहुत ऊंचाई पर गया। 1776 के बाद से लेकर अभी 2009 आ गया, अमेरिका बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया पिछले 225 वर्षों में। तो अमेरिका ने क्या किया है? अपनी भाषा को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाया गुलामी से आजाद होने के बाद। चीन नाम का एक देश बहुत ऊंचाई पर पहुंचा पूरी दुनिया में, तो चीन ने क्या किया? 1949 में चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई, माओ वहां का सबसे बड़ा नेता था, तो माओ के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, माओ उसी तरह का नेतृत्व चीन के लोगों को प्रदान किया था जैसे आज हमारे परम पूजनीय स्वामी जी भारत को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन जैसे भारत में करने की कोशिश आज हो रही है भारत स्वाभिमान की मदद से,
और उसके सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी हैं, वैसा ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन माओ ज़ेडोंग ने किया था चीन में और बहुत सफल हुआ था, और उसके बाद चीन पूरा बदल गया। माओ ने जब अपने चीन को बदला तो उसने भी सबसे पहले अपनी भाषा को और अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। ऐसे ही जापान का उदाहरण है, ऐसे ही अगर हम और दूसरे देशों का उदाहरण लें, जापान भी गुलाम हुआ है, और जापान तो तीन तीन देशों का गुलाम हुआ है। अमेरिका ने जापान को गुलाम बनाया, डच लोगों ने जापान को गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने जापान को गुलाम बनाया। तो जापान ने आज़ादी के बाद भी वही किया, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी भाषा व्यवस्था को बहुत अच्छे से दुरुस्त किया। दुनिया के और छोटे देशों का उदाहरण दें, क्यूबा का दें, ब्राज़ील का दें, मैक्सिको का उदाहरण दें, या स्पेन का उदाहरण लें, स्वीडन का लें, स्विट्ज़रलैंड का लें, डेनमार्क का लें, नॉर्वे का लें, दुनिया के किसी भी छोटे बड़े देश का उदाहरण आप देखें और इतिहास पढ़ें, तो आपको एक बात सभी देशों में समझ में आएगी, वो ये कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम हुआ है, आज़ाद होने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा व्यवस्था को दुरुस्त किया है और फिर शिक्षा को दुरुस्त किया है। भारत के बारे में जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ उल्टा चित्र नजर आता है, बिल्कुल विपरीत चित्र नजर आता है। भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने अंग्रेजों की भाषा को नहीं बदला, अंग्रेजों की भाषा अभी भी इस देश में चल रही है। भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत ने आज तक अपनी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला, अंग्रेजों की बनाई गई पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था आज भी इस देश में चल रही है। आप अक्सर एक नाम सुनते होंगे, आपस में बातचीत होती है, अखबारों में खबरें छपती हैं, टेलीविजन पे खबरें आती हैं, तो एक नाम अक्सर चर्चा में आता है, मैकॉले, मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, मैकॉले का शिक्षा तंत्र, मैकॉले का बनाया हुआ पाठ्यक्रम। ये मैकॉले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी 1840 के साल में भारत में शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम तय करके चला गया, वो अधिकारी मर गया। उस अधिकारी के मरने के बाद अंग्रेज यहाँ से चले गए और उनकी कई पीढ़ियां चली गईं, लेकिन 1840 में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम मैकॉले ने तय कर दिया, वो पाठ्यक्रम भारत की आज़ादी के 63 साल के बाद 2009 में भी चल रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैकॉले ये कहता था कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करनी है जिसको पढ़ने के बाद भारतवासी शरीर से दिखने में भारतीय भले हों, लेकिन आत्मा से और मन से अंग्रेजियत से भर जाएं और अंग्रेजों जैसे हो जाएं। जब हम आत्मा और मन से अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे, तो वो कहता था कि हमें फिर भारत को गुलाम बनाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, भारतवासी बहुत आसानी से और सहजता से हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था मैकॉले छोड़कर गया, वो अभी भी इस देश में चल रही है। दुख है, दुर्भाग्य है, मैकॉले ने इस देश में एक कॉन्वेंट स्कूल खोला था, कलकत्ता में वो पहले खुला था, अब जिसको हम कोलकाता कहने लगे हैं, वो एक कॉन्वेंट स्कूल अब बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में पहुंच गए। अब भारत में गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर कॉन्वेंट स्कूल खुल गए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैकॉले का एक कॉन्वेंट स्कूल तो प्रतीकात्मक था अंग्रेजियत की व्यवस्था का, लेकिन हमारे तो कॉन्वेंट स्कूल पूरी की पूरी व्यवस्था के ही अंग बन गए हैं, और उनमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को, वो सब कुछ अंग्रेजियत से भरा हुआ है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था हम नहीं बदल पाए। मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि मैकॉले ने कुछ विषय हमारे देश में तय किए थे, जैसे एक विषय होता है उसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, उसका अगर शाब्दिक अर्थ ढूंढेंगे तो उसका अर्थ है मानव विज्ञान, लेकिन इसका सही अर्थ ये है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, तो जो देश गुलाम हो जाता है उस देश के गुलाम नागरिकों की मनोदशा का अध्ययन करना, वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मैकॉले कहा करता था कि भारत को हमने गुलाम बनाया, तो भारत में अब एंथ्रोपोलॉजी विषय चलना चाहिए। तो मैकॉले ने एंथ्रोपोलॉजी विषय इस देश में डाल दिया। अब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, हम अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आ गए, लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजी विषय अभी तक इस देश में चल रहा है, माने मैकॉले की याद वो अभी भी दिला रहा है। मुझे बहुत शर्म आती है, अफसोस होता है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एंथ्रोपोलॉजी के विशेष विभाग हैं, प्रोफेसर हैं,
जिनको 60-60 हज़ार रुपए महीने की तनख्वाहें मिलती हैं, और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पीएचडी करने वाले शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, ये सब शर्मनाक लगता है। मैकॉले ने ऐसे बहुत सारे विषय इस देश में डाल दिए, उनमें से एक भी विषय को हम नहीं बदल पाए। और मुझे उससे भी बड़े अफसोस की बात है जो कहनी है कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी शिक्षा, जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं या मेडिकल की शिक्षा कहते हैं, इसमें अंग्रेजों ने जो पाठ्यक्रम तय कर दिया वो लगभग 140 साल से वैसे का वैसा ही चल रहा है। तो हमने पाठ्यक्रम नहीं बदला, हमारी भाषा नहीं बदली, और भाषा और शिक्षा के स्तर पर छोटा सा बदलाव भी हम नहीं कर पाए। मुझे और एक अफसोस की बात आपसे कहनी है, वो ये कि अंग्रेजों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया, वो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने अपने देश में लागू नहीं की। आप अगर अंग्रेजों के देश में जाएंगे देखने और समझने के लिए, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था भारत से बिल्कुल भिन्न है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों ने विद्यार्थियों को एक निश्चित मानदंड के अनुसार फेल और पास होने का नियम बना रखा है। 33% या उससे ज्यादा मिले तो परीक्षा में पास है, और 33% से कम अंक मिले तो फेल है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ मानदंड है। और ये जो परीक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है, ये भी पूरी अंग्रेजों की बनाई हुई है। साल भर विद्यार्थियों को कुछ रटाना, फिर एक दो दिन में उनको वो सब लिखवा लेना, और रट के वो लिख देंगे कॉपी में, 100 में से 98, 99, 95, 96 जो भी नंबर आ जाए उसके अनुसार विद्यार्थी का आकलन करना कि ये होशियार है या ये मूर्ख है। अंग्रेजों के देश में जाकर आप देखेंगे तो पूरी परीक्षा पद्धति उन्होंने बदल रखी है। अंकों के आधार पर अंग्रेजों के देश में किसी भी विद्यार्थी का आकलन नहीं होता। और अंग्रेज ही क्यों, फ्रांसीसियों के देश में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता, जर्मनी में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता, अमेरिका में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता। माने अंग्रेजों ने जो कुछ हमारे देश में चलाया उसको अपने देश में उन्होंने नहीं अपनाया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आकलन की पद्धति पूरी गलत है। इसमें विद्यार्थी फेल और पास नहीं होता है, पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल और पास होती है। क्योंकि विद्यार्थी के बारे में तो ये माना जाता है कि वो तो मिट्टी का कच्चा घड़ा है, जैसा आप ठोक पीट के बना दोगे वैसा वो हो जाएगा। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर किसी विद्यार्थी को फेल करती है, मैं मानता हूं पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल होती है, विद्यार्थी फेल नहीं होता है उसमें। और हमारे देश में मैकॉले के द्वारा जो विषय तय किए गए उनमें से एक इतिहास विषय, जिसमें मैकॉले ने यह कहा कि भारतवासियों को सच्चा इतिहास उनका नहीं बताना है, क्योंकि इनको गुलाम बना के रखना है, इसलिए इतिहास को विकृत करके भारत में पढ़ाया जाना चाहिए। तो भारत के इतिहास को पूरी तरह से उन्होंने विकृत कर दिया। सबसे बड़ी विकृति जो हमारे इतिहास में अंग्रेजों ने डाली, जो आज तक जहर बनकर हमारे खून में घूम रही है, वो विकृति ये है कि हम भारतवासी आर्य कहीं बाहर से आए। सारी दुनिया में शोध हो चुका है कि आर्य नाम की कोई जाति भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं थी, तो बाहर से कहां से आ गए हम। फिर हमको कहा गया कि हम सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया में जो जातियां इस समय निवास करती हैं, उन सभी जातियों के डीएनए लिए गए। डीएनए आप समझते हैं, जिसका टेस्ट करके कोई भी बात की पक्की सूचना ली जाती है। तो दक्षिण एशिया में, मध्य एशिया में, पूर्व एशिया में, तीनों स्थानों पर रहने वाली जातियों के नागरिकों के रक्त इकट्ठे करके उनका डीएनए टेस्ट किया गया, और भारतवासियों का डीएनए टेस्ट किया गया, तो पता चला कि भारतवासियों का डीएनए दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पूर्व एशिया के किसी भी जाति समूह से नहीं मिलता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि भारतवासी मध्य एशिया से आए, आर्य मध्य एशिया से आए। इसका उल्टा तो मिलता है कि भारतवासी मध्य एशिया में गए, भारत से निकलकर दक्षिण एशिया में गए, पूर्व एशिया में गए, मध्य एशिया में गए, और दुनिया भर में सभी स्थानों पर गए, और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय धर्म का उन्होंने पूरी ताकत से प्रचार प्रसार किया। तो भारतवासी दूसरी जगहों पर जाकर तो प्रचार प्रसार करते हैं, उसके प्रमाण हैं, लेकिन भारत में कोई बाहर से आर्य नाम की जाति आई, इसके प्रमाण अभी तक मिले नहीं, और इसकी वैज्ञानिक पुष्टि भी नहीं हुई। इतना बड़ा झूठ अंग्रेज हमारे इतिहास में लिख गए, और भला हो हमारे इतिहासकारों का
उस झूठ को अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी पढ़ा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले दुनिया के जेनेटिक विशेषज्ञ जो हैं, जो डीएनए आरएनए आदि आदि की जांच करने वाले विशेषज्ञ हैं, इनकी एक बड़ी भारी परिषद हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वो कॉन्फ्रेंस का जो रिसर्च का बिल्कुल अंतिम निर्णय है वो ये कहता है कि आर्य भारत में कहीं बाहर से नहीं आए थे, आर्य सब भारतवासी ही थे, जरूरत और समय आने पर वो भारत से बाहर गए थे। अब आर्य हमारे यहाँ कहा जाता है श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो भी श्रेष्ठ है वो आर्य है, कोई ऐसा जाति समूह हमारे यहाँ आर्य नहीं है। हमारे यहाँ तो जो भी जातियों में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो सब आर्य माने जाते हैं, वो कोई भी जाति के हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति अगर वो श्रेष्ठ आचरण करता है हमारे यहाँ उसको आर्य कहा जाता है। आर्य कोई जाति समूह नहीं है, वो सभी जाति समूहों में श्रेष्ठ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। ऊंचा चरित्र जिसका है, आचरण जिसका दूसरों के लिए उदाहरण के योग्य है, जिसका किया हुआ, जिसका बोला हुआ, जिसका कहा हुआ दूसरों के लिए अनुकरणीय है, वो सभी आर्य हैं। हमारे देश में परम श्रद्धेय और परम पूजनीय स्वामी दयानंद जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऊधम सिंह, अशफाक उल्ला, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर चनम्मा, ये जितने भी नाम आप लेंगे ये सभी आर्य हैं, ये सभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्होंने अपने चरित्र से दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसलिए आर्य कोई हमारे यहाँ जाति नहीं है। राजा जो उच्च चरित्र का है उसको आर्य नरेश बोला गया, नागरिक जो हमारे यहाँ उच्च चरित्र के हैं उनको आर्य नागरिक बोला गया, भगवान श्री राम को हम आर्य कहे, आर्य नरेश कहा जाता था उनको, श्री कृष्ण को आर्य पुत्र कहा गया, अर्जुन को कई बार आर्य पुत्र का संबोधन दिया गया, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को कई बार आर्य पुत्र का संबोधन दिया गया, या द्रौपदी को आर्य पुत्री का संबोधन कई जगह है हमारे शास्त्रों में। तो हमारे यहाँ तो आर्य कोई जाति समूह है ही नहीं, ये तो सभी जातियों में श्रेष्ठ आचरण धारण करने वाले लोग, धर्म को धारण करने वाले लोग आर्य कहलाए हैं। तो अंग्रेजों ने ये गलत हमारे इतिहास में घुसार दिया, और इससे बड़ा एक विक्षेप हमारे इतिहास में डाला गया कि हम भारतवासी हजारों साल से गाय का मांस खाते रहे हैं। अब हजारों साल से कोई देश गाय का मांस खाता रहा हो, उस देश में गो हत्या को बंद कराने के लिए कोई अपना बलिदान कैसे दे सकता है? फिर एक मिनट के लिए आप ये सोचो कि अगर भारतीय समाज गाय का मांस खाने वाला समाज है, तो फिर भारतीय समाज में गोरक्षा का आंदोलन क्यों होना चाहिए, गाय बचाने के लिए आंदोलन क्यों होना चाहिए? गाय की रक्षा करने के लिए हमारे नागरिकों ने अपना जीवन दिया है, वो जीवन उन्हें क्यों देना चाहिए? हमारे इतिहास में तो एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है हमर शहीद मंगल पांडे का, जिन्होंने गोरक्षा से आंदोलन की शुरुआत की और देश की आजादी का आंदोलन वो बन गया पूरे पूरे भारतवर्ष में, और उसने आग लगा दी पूरे देश को। आप जानते हैं अमर शहीद मंगल पांडे को फांसी हुई थी, तो सवाल तो गाय की रक्षा का था। जब मंगल पांडे अंग्रेजी सेना में नौकरी करने के लिए भर्ती हुए बैरकपुर की छावनी में, जो कोलकाता के नजदीक है, उनको किसी ने बता दिया कि आप जो कारतूस मुंह से खोलते हो इसमें गाय की चर्बी लगी होती है, और अगर आप कारतूस मुंह से खोलते हो उसमें गाय की चर्बी लगी होती है तो आप तो गोरक्षा की बात करते हो, फिर ये कैसे होता है? तो मंगल पांडे को तो विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को पूछा जिसका नाम था मेजर जनरल ह्यूसन। ह्यूसन को मंगल पांडे ने पूछा कि क्या ये बात सच है कि हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें गाय की चर्बी लगी रहती है? मेजर जनरल ह्यूसन ने ना हाँ कहा ना ना कहा। मंगल पांडे ने फिर पूछा, फिर उत्तर नहीं मिला, तो उनको गुस्सा आ गया और उनके हाथ में जो बंदूक थी, राइफल थी, उसको उन्होंने चला दिया और ह्यूसन को मार डाला, ह्यूसन की हत्या हो गई। और ये काम मंगल पांडे ने बहुत सोच समझ के किया था, पूरे होशो हवास में किया था और विवेक के साथ किया था। और ये घटना घटित हुई, आप जानते हैं, 29 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार करके फिर उनके ऊपर मुकदमा चला। उस पूरे मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंगल पांडे ने जो सबसे बड़ी बहस की, उन्होंने अपना वकील नहीं किया था, खुद अपनी बहस की, और उस बहस में वो बार बार ये कहते रहे कि मेरे भारत की जमीन पर अंग्रेज आए, हमारे देश पर उन्होंने कब्जा किया, हमारी गऊ माता की हत्या की, हमको गुलाम बनाया,
हमारी लूटपाट की हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। गाय हमारी माँ है और हमारी माँ का कोई अंग्रेज कत्ल करे, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अंग्रेजों को तो मैं नहीं छोड़ सकता, अगर मुझे आपने जिंदा रखा तो और 2-4-5 अंग्रेज अधिकारियों को मैं ऐसे ही मारूंगा जैसे मैंने मेजर ह्यूसन को मारा। इस पर पूरे देश में क्रांति की और बगावत की शुरुआत हुई थी। तो आप जरा कल्पना करो कि जिस देश के नागरिक गाय की रक्षा करने के लिए बलिदान होने को तैयार हैं, गाय कटने से बंद हो, गाय बचे, उसके लिए वो अपना आत्मोत्सर्ग करने को तैयार हैं, उस देश के लोग गाय का मांस कैसे खा सकते हैं? हमारे वेदों में कोई प्रमाण इसका नहीं मिलता। हमारे यहां तो उल्टे प्रमाण मिलते हैं कि गाय को अगर कोई मारता है तो उसको मार दिया जाए, गाय को कोई काटता है तो उसके हाथ काट दिए जाएं, गाय को कोई काटता है तो उसके पांव काटे जाएं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। तो जिन वेदों में, उपनिषदों में, अन्य शास्त्रों में गाय को कत्ल करने वाले को फांसी दी जाए ऐसे उदाहरण मिलते हो, वहां कैसे संभव है कि गाय की हत्या करने वाले लोग हों या गाय का मांस खाने वाले लोग हों? अंग्रेजों ने ये सारा विक्षेप हमारे शास्त्रों में भरवाया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की, जो हजारों वर्षों से आई है, और एक मनुस्मृति अंग्रेजों ने लिखवाई है। आपको मालूम है हमारे देश में मनुस्मृति की एक प्रति अंग्रेजों ने लिखवाई है, और अंग्रेजों ने इसको लिखवाने में मैक्स मूलर की मदद ली थी। मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान था जिसको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। उसको कहा गया कि तुम भारत के शास्त्रों को पढ़ो और पढ़कर उनको बताओ कि उनमें क्या है, फिर जरूरत पड़ने पर उसमें रद्दो बदल करेंगे। तो मैक्स मूलर ने मनुस्मृति का अनुवाद किया, जर्मन में किया, फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। फिर अंग्रेजों को समझ में आया कि मनुस्मृति तो न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी पुस्तक है और भारत की न्याय व्यवस्था का आधार है, तो उन्होंने मनुस्मृति में ऐसे विक्षेप डलवा दिए ताकि भारतवासियों को भरमाया जा सके और उनको गलत रास्ते पे चलाया जा सके। उनके मन में मनुस्मृति के प्रति वितृष्णा पैदा हो, उनके मन में मनुस्मृति के प्रति बहुत ज्यादा नीचाई की भावना पैदा हो, इस तरह के विक्षेप डाले गए मनुस्मृति में। इसी तरह के विक्षेप डाले गए हमारे अन्य बहुत सारे ग्रंथों में, और अंग्रेजों की इसकी बहुत बड़ी टीम थी और बड़े भारी लोग इस काम में लगे हुए थे। कोई साधारण अंग्रेजों ने यह काम नहीं किया है। मैं नाम ले लूं अगर तो एक अंग्रेज का नाम सबसे ज्यादा ले सकता हूं, विलियम हंटर नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, जिसने सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में विकृति डाली, जिसने सबसे ज्यादा भारतीय शास्त्रों को विकृत किया, जिसने सबसे ज्यादा भारत के पुराने ऋषि महर्षियों के लिखे हुए आप्तवचनों को, वाक्यों को बिल्कुल उल्टा कर दिया। और ये कैसे कर पाया वो? विलियम हंटर की एक विशेषता थी, वो ये कि अंग्रेजी बहुत अच्छी जानता था, उसके साथ साथ उसको संस्कृत भी बहुत अच्छी आती थी। तो चूंकि संस्कृत अच्छी आती थी और अंग्रेजी भी अच्छी आती थी, तो भारतीय मूल ग्रंथ संस्कृत में है तो वो पढ़कर समझ लेता था, फिर अंग्रेजी में कहां कहां विकृति करके उसको फिर से बनाना है आसानी से वो कर लेता था। विलियम हंटर की पूरी टीम थी जिसको कहा गया अंग्रेजों के द्वारा विलियम हंटर कमीशन। विलियम हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मैं बात करूं घंटों घंटों उसी में निकल जाएगा। हजारों पन्नों में उन्होंने रिपोर्ट बना के ये बताया है कि हमने भारत के किस किस विषय में, किस किस शास्त्र में क्या क्या परिवर्तन कर दिए हैं। ये अंग्रेजी संसद को उन्होंने भेंट किया था और वहां पर उसको प्रस्तुति करके उस पर बहस हुई थी। तो अंग्रेजों ने अपने देश में ऐसे बहुत सारे विद्वानों को तैयार करके भारत के शास्त्रों में विक्षेपण कराया, बहुत कुछ ऐसी चीजें भर दी उनमें जो विश्वास करने लायक नहीं है और तर्क पर कहीं ठहरती नहीं है और सूचना के आधार पर पूरी तरह से गलत है। सांस्कृतिक रूप से भारत नीचा देश है, गुलामों का देश है, हमेशा विदेशियों के हमलों का शिकार रहा देश है। अंग्रेजों ने एक पूरी दुनिया में एक झूठ प्रचारित किया, वो ये कि हजारों साल से भारत में विदेशी आते रहे हैं और भारत पर कब्जा करते रहे हैं, तो हम भी विदेशी हैं, हमने भी आकर भारत पर कब्जा कर लिया है। जब हजारों साल से भारत विदेशियों का गुलाम हो सकता है तो हमारा भी गुलाम हो गया, इसमें कौन सी खास बात है? अंग्रेजों ने इतना बड़ा झूठ ये प्रचारित किया पूरी दुनिया में। हजारों साल से तो ये था ही नहीं। अंग्रेजों के आने से अगर ठीक ठीक पहले की जानकारी लें
तो मात्र 1000 वर्ष पहले पहला विदेशी आया मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर हमला किया और कुछ लूटपाट के चला गया। दूसरा आया महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा और भारत से चला गया। फिर तैमूर लंग आया, नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, लूटपाट करके चला गया। कुछ ही लोग थे जो भारत में आए, जिन्होंने लूटपाट के साथ साथ इस देश में राज किया, वो मुगल थे। जैसे बाबर आया, बाबर ने लूटपाट ही नहीं की, भारत के एक इलाके पर थोड़े दिन राज भी किया, फिर बाबर के पुत्रों ने किया, फिर उनके पुत्रों ने किया। ये एक समय है 300 वर्ष का, इसको हम एक खास नजरिए से देखें तो अंग्रेजों का ये झूठ बिल्कुल समझ में आता है कि हजारों साल से भारत विदेशियों का गुलाम रहा, कभी भी नहीं रहा। इसके उल्टे अंग्रेज हजारों साल विदेशियों के गुलाम रहे, इसके प्रमाण तो पूरी दुनिया के सामने है। अंग्रेज सबसे ज्यादा समय रोमन लोगों के गुलाम रहे, रोमन साम्राज्य के गुलाम रहे, फ्रांसीसियों के गुलाम रहे, और मजबूत यूरोप के देशों ने अंग्रेजों को समय समय पर लूटा, हमला किया। तो अपने बारे में सच को छुपा लेना और भारत के झूठ को सारी दुनिया में हवा देना, ये अंग्रेजों की नीति थी। और बार बार वो कहते थे भारतीय संस्कृति तो वैज्ञानिक नहीं है, ये तो पाखंड पर आधारित है, ये तो अविश्वास पर आधारित है, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, ये सारे दुनिया में वो कहते रहे। भारत में एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, अंग्रेजों ने एक हमारे देश में झूठ और दुनिया में प्रसारित किया कि भारतवासी सभ्य नहीं है। तो अंग्रेजों से पूछा गया, भाई क्यों सभ्य नहीं है? तो कहते थे कुछ भारतवासी ऐसे हैं जो कपड़े नहीं पहनते। अब हमारे भारत में एक समाज है जिसको हम जैन समाज कहते हैं, जैन समाज में एक दिगंबर पंथ के लोग हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते। वो ये मानते हैं कि ये वस्त्र भी जो हैं इनको भी छोड़ देना चाहिए। उनकी अपरिग्रह की भावना इतनी तीव्र होती है कि वो वस्त्रों को भी धारण करने में परिग्रह मानते हैं। तो जैन समाज के दिगंबर पंथ के लोगों ने वस्त्र छोड़ रखे हैं, तो उनके साधु संन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं। अब किसी अंग्रेज ने उनको देख लिया तो लिख दिया कि भारतवासियों को तो वस्त्र पहनना नहीं आता, इनको तो सभ्यता नहीं आती। अब हमारी दृष्टि से हम देखें उनको तो वो अपरिग्रह की चरम स्थिति में पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, त्याग की पराकाष्ठा पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको कपड़े भी नहीं चाहिए। और अंग्रेजों की दृष्टि से देखें तो असभ्य लोग हैं, क्योंकि कपड़े नहीं पहनते। इन अंग्रेजों को ये बात मालूम थी कि जब अंग्रेज जंगली और बर्बर थे सारी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा कपड़ा भारत का ही बिकता था और भारत का ही बनता था। और खुद अंग्रेज हजारों साल तक भारत का कपड़ा पहनकर अपनी नग्नता को ढकते रहे, छिपाते रहे। अंग्रेजों से पहले के रोमन साम्राज्य की बात बताऊं तो 3000 साल रोमन साम्राज्य के सभी राजाओं ने, सभी रानियों ने और रोमन साम्राज्य के साधारण नागरिकों ने भारत के बने हुए कपड़े पहनकर अपने नंगेपन को ढका है और अपने नंगेपन को छुपाया है। वो तो कपड़ा बनाना नहीं जानते थे, पहनना तो बहुत दूर की बात है। जब यूरोप में कोई कपड़ा बनाना नहीं जानता था, सारी दुनिया में भारत का कपड़ा बिकता था। और 3000 साल भारत ने कपड़े का निर्यात करके सोना कमाया है। भारत का कपड़ा बिकता था तौल के हिसाब से, तराजू के एक पलड़े में कपड़ा रखा जाता था, दूसरे पलड़े में सोना रखा जाता था। भारत का कपड़ा अगर 1 किलो का थान है ना, तो बराबर 1 किलो सोना मिलता था उसके बदले में। तो हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया है, इसलिए सारी दुनिया का सोना भारत में आया और इसलिए भारत सोने की चिड़िया बन गया। ये सत्य अंग्रेज जानते थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने इतिहास में यह डाल दिया कि भारतवासी तो असभ्य हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो हमारी संस्कृति को नीचा दिखाना, हमारी सभ्यता को नीचा बताना, हमारे इतिहास को विकृत कर देना, शिक्षा व्यवस्था को हमारा पूरा तहस नहस कर देना, हमारी भाषा को तहस नहस कर देना, इन सबके पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अगर था तो एक, कि भारत को गुलाम बनाकर रखना है ताकि इस देश को लूटा जा सके। हम अगर किसी के गुलाम होते हैं तभी हम लूट सकते हैं, अगर हम स्वतंत्र और आजाद हैं हमें कोई नहीं लूट सकता। आप अपने घर के बारे में ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका घर स्वतंत्र है, आजाद है, स्वाधीन है, तो आपके घर पर कोई हमला नहीं कर सकता, आपके घर को कोई नहीं लूट सकता। लेकिन अगर आपका घर किसी का पराधीन हो जाए, किसी का गुलाम हो जाए, तो जो आपको गुलाम बनाएगा, जो पराधीन बनाएगा, वो कभी भी आपके घर को लूट लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेजों ने यही किया, भारत को पराधीन बनाना,
गुलाम बनाना ताकि भारत को लूटा जा सके और लूटने के लिए भारत के मन को तैयार किया जा सके और मानसिक रूप से भारतीय लोगों की तैयारी हो तो शारीरिक तैयारी तो हो ही जाती है। कहा यह जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी ऊंची बात कही है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। अगर मन से कोई व्यक्ति हारता है तो आसानी से गुलाम बनता है और मन से नहीं हारता तो शरीर से आप उसको कितनी भी प्रताड़ना दो वो गुलाम तो नहीं बनेगा, मर जाएगा, खप जाएगा, लेकिन गुलाम नहीं बनेगा किसी का। अंग्रेजों को यह मालूम था कि भारतवासी गुलाम नहीं बनेंगे आसानी से, क्योंकि मैकॉले अंग्रेजों की संसद में 2 फरवरी 1835 को यही भाषण दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं संपूर्ण भारत में घूमा, मैंने किसी को भिखारी नहीं देखा, किसी को चोर नहीं देखा, कोई गरीब नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, शिक्षा में भारत बहुत ऊंचा है, सभ्यता और संस्कृति में भारत बहुत ऊंचा है, और अंत में कहता है हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते तब तक जब तक कि भारतवासियों की रीढ़ की हड्डी जो उनकी संस्कृति है और जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है इसको जब तक हम नहीं तोड़ेंगे भारत गुलाम नहीं बनेगा। तो संस्कृति को तोड़ना, शिक्षा को तोड़ना, सभ्यता को तोड़ना, ये सब जुड़ा हुआ है मन के तोड़ने से। तो हमारा मन गुलाम बने, हमारा मन टूटे, इसके लिए अंग्रेजों ने ये सारे प्रयास किए और उन प्रयासों में वो कामयाब हुए और भारत को 250 साल गुलाम बना के रख लिया। अब जैसे ही आज़ादी आई 15 अगस्त 1947 को, तो हमें वो करना चाहिए था जो मैकॉले के किए का बिल्कुल उल्टा था। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नाश किया, 7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे, 97% हमारे देश में साक्षरता हुआ करती थी उन गुरुकुलों की मदद से, इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मेडिकल पढ़ाया जाता था, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, धातु शास्त्र पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र होता था, सर्जरी पढ़ाई जाती थी, ऐसे 18 उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैकॉले के एक कानून ने खत्म कर दिया जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून के आधार पर संस्कृत को उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और संस्कृत के आधार पर पढ़ाने वाले गुरुकुलों को प्रतिबंध लगा दिया, गुरुकुलों के आचार्यों को जिंदा जला दिया, उनके घरों में उनके घरों के साथ जला दिया, हाथ पैर उनके काटे, उंगलियां काटी, भयंकर अत्याचार करके गुरुकुल बंद किए गए। आजादी के बाद क्या होना चाहिए था, जो कुछ मैकॉले ने किया उसका उल्टा करना चाहिए था भारत सरकार को। अंग्रेजी खत्म होनी चाहिए थी, अंग्रेजों के बनाए गए कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल बंद होने चाहिए थे और जो गुरुकुल कभी चला करते थे इस देश में जिनके आधार पर 97% साक्षरता थी पूरे देश में उनको पुनर्जीवित करना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना अंग्रेजी को खत्म किया, ना कॉन्वेंट स्कूल बंद किए, ना पब्लिक स्कूल बंद किए, ना वो झूठा इतिहास सरकार ने बदला। मुझे तो बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि भारत के इतिहास की पुस्तकों में महाराजा रणजीत सिंह को डाकू कहा गया, भारत के इतिहास की पुस्तकों में अमर शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया, भारत की इतिहास की पुस्तकों में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया, भारत की पुस्तक में अमर शहीद अशफाक उल्ला बटुकेश्वर दत्त को आतंकवादी कहा गया, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को आतंकवादी बताया गया। अंग्रेजों के लिए ये सब क्रांतिकारी नहीं थे, अंग्रेजों के लिए तो ये आतंकवादी थे, लेकिन भारत के लोगों के लिए तो ये क्रांति मूर्ति थे, क्रांतिकारी थे, वीर पुरुष थे, साहसी पुरुष थे, जिन्होंने हमारी आजादी का रास्ता हमको दिखाया। तो हमारे लिए तो वो वीर पुरुष हैं, हमारे लिए तो अनुकरणीय हैं, उनको हम आदर्श मानते हैं, लेकिन आजादी के बाद की किताबों में अभी भी उनके लिए आतंकवादी शब्द आता है, बहुत दुख होता है। और उससे भी बड़ा दुख होता है कि भारत की सत्ता व्यवस्था में शीर्ष स्थानों पर बैठने वाले मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री स्तर के नेता अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को अभी भी आतंकवादी कहते हैं, और कहते ही नहीं है, मानते भी हैं। और मुझे उससे बड़ा अफसोस है कि जो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहे वो किसी देश का, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर रहे, इससे बड़ी विडंबना इस देश में कुछ नहीं हो सकती। हमें तो ये होना चाहिए कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहने वाले का हर तरह से नामोनिशान मिट जाए, ऐसा इस देश में प्रयास होना चाहिए, ऐसा अभियान चलना चाहिए, बनिस्बत इसके
कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहकर गाली देने वाला मुख्यमंत्री बन जाए किसी राज्य का, और मुख्यमंत्री बनकर लूट करे पूरे राज्य के संसाधनों की। शर्म है, अफसोस है इन सब विषयों पे। तो हुआ यह है इस देश में कि आजादी भौतिक रूप से हमको मिल गई, अंग्रेज हमारे यहां से चले गए, लेकिन अंग्रेजों के बच्चे इसी देश में छोड़ गए। मैकॉले मर गया, लेकिन मैकॉले के मानस पुत्र इस देश में अभी भी जिंदा हैं, जिनको हम काला अंग्रेज कह सकते हैं। उन्होंने जब से आजादी के बाद इस देश की व्यवस्था को संभाला, सरकार को अपने हाथों में लिया, अंग्रेजों का बनाया हुआ और अंग्रेजों का बिगाड़ा हुआ कुछ भी इस देश में उन्होंने दुरुस्त नहीं किया। हमारे देश में भाषा अंग्रेजी है, भूषा अंग्रेजी है, भोजन अंग्रेजी है, भजन अंग्रेजी है, भेषज अंग्रेजी है, कानून अंग्रेजी है, कृषि व्यवस्था अंग्रेजी है, अर्थव्यवस्था अंग्रेजी है, चिकित्सा व्यवस्था अंग्रेजी है। हर स्तर पर अंग्रेजियत 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 छाई हुई है। एक दो उदाहरण से मैं मेरी बात और से स्पष्ट करता हूं। अंग्रेज गए तो जाने के समय उन्होंने 34,735 कानून इस देश में छोड़े, जो उन्होंने कभी भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों का एक तरीका था कि भारत को गुलाम बनाना है तो एक तरीका तो यह है कि सीधे मारो पीटो और लूटो और उनको गुलाम बना के रखो ताकत से। एक तरीका यह है कि मारना पीटना और लूटना हर समय संभव नहीं होता तो कानून बनाकर गुलाम बना के रखो। तो अंग्रेजों ने शुरू के 100 साल तक तो यही किया कि मारा पीटा भारतवासियों को और सीधे उनकी लूटपाट की और डरा के धमका के गुलाम बना के रखा। लेकिन 100 साल से ज्यादा इस काम को वो चला नहीं पाए, तो फिर उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि कानून बना के भारतवासियों को लूटो पीटो मारो और इनको कब्जे में करके रखो। तो कानून बनाए उन्होंने, और जो जो कानून बनाए वो सबके सब कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहे हैं। मैं उदाहरण से बताता हूं। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया भारत के क्रांतिकारियों पर अत्याचार करने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, क्रांतिकारियों को दबा कर रखने के लिए, और उस कानून का नाम रखा उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट, भारतीय पुलिस अधिनियम। अब कानून में लिखा है इंडियन, लेकिन उसमें भारतीय कुछ नहीं है, वो सब इंग्लिश है, अंग्रेजियत वाला कानून है। अंग्रेजों ने दुनिया के जिन जिन देशों को गुलाम बनाया, जैसे आयरलैंड को गुलाम बनाया, जैसे स्कॉटलैंड को गुलाम बनाया, जैसे न्यू साउथ वेल्स को गुलाम बनाया, अफ्रीका को गुलाम बनाया, इंडोनेशिया मलेशिया को गुलाम बनाया, चीन को बनाया, जापान को बनाया, दुनिया के 51 देशों को अंग्रेजों ने सीधे गुलाम बनाया। तो जिन जिन देशों को गुलाम बनाया वहां वहां के नागरिकों पर अत्याचार करने के लिए उन्होंने पुलिस बनाई और उस पुलिस के कानून बनाए, वही उन्होंने भारत में किया। सन 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट नाम का एक कानून बना दिया। इस कानून को बनाने का जो इतिहास था वो 2-3 वाक्यों में मैं कहना चाहूंगा। 1857 में क्रांति हो गई पूरे भारत में, आप सभी जानते हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति कभी हुई नहीं थी इस देश में। भारत में 350 स्थानों पर अंग्रेजी सरकार को क्रांतिकारियों ने उखाड़ के फेंक दिया। 350 जिले थे भारत के जो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए। झांसी आजाद हुआ, सतारा आजाद हुआ, पुणे आजाद हुआ, मुंबई आजाद हुआ, ऐसे 350 जिले भारत के आजाद हो गए। और इस क्रांति की लड़ाई में 1857 में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए, और भारतवासियों ने उनको गर्दन काट के मारा था, ऐसे नहीं मारा था, तलवारों से काटा, हसियों से काटा, गणासों से काटा, कुल्हाड़ी से काटा, क्योंकि भारतवासी इतने गुस्से में थे 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ कि वैसे तो भारतवासी चींटी को मारना भी पाप समझते हैं, चींटी को मारना भी हिंसा समझते हैं, लेकिन उन भारतवासियों में इतना गुस्सा था, इतना क्रोध था कि उन्होंने अंग्रेजों को गर्दन से काट दिया था। और महिलाओं ने यह काम किए थे, खाली पुरुषों ने नहीं किए थे। कुंवर सिंह जी की कहानी तो आप सभी जानते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जो मोर्चा उन्होंने संभाला था पटना में, आरा में, जब तक कुंवर सिंह जिंदा थे अंग्रेजों की सेना की पांव नहीं पड़े पूरे पटना और आरा के इलाके में। अपनी फौज की ताकत से वो लड़ते रहे थे, और वो 1857 के हमारे देश के अमर शहीदों में उनकी गिनती होती है। और उनकी फौज में, उनकी सेना में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जितने पुरुष थे उतनी महिलाएं थी उनकी सेना में।
महिला और पुरुषों की संख्या बराबर थी और महिलाएं भी उतनी दक्ष थीं कि जो बंदूक से गोलियां चलाती थी अंग्रेजों के ऊपर। ऐसे बहादुर लोग इस देश की 1857 की लड़ाई में 7,32,000 थे, एक दो नहीं थे। भारत में उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ, पूरब में जाओ, पश्चिम में जाओ, हर जगह ये लड़ाई चल रही थी। नाना साहब पेशवा ने लड़ाई शुरू जरूर की थी, लेकिन नाना साहब पेशवा की लड़ाई 7,32,000 क्रांतिकारियों की लड़ाई बन गई थी और पूरे भारत में 3,64,000 अंग्रेजों को क्रांतिकारियों ने मार डाला था, खत्म कर दिया था। अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई थी, तब अंग्रेजों की संसद में इस बात पर चर्चा हुई कि आगे भारत को फिर से गुलाम बनाना हो तो क्या करना चाहिए, तो भारतवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पैदा ना हो इसके लिए एक पुलिस व्यवस्था करनी चाहिए, पुलिस बनानी चाहिए, ताकि ये पुलिस अंग्रेजों की तरफ से भारतवासियों को दबाकर रख सके और इनके ऊपर जरूरत से अत्याचार कर सके। 1860 के पहले इस देश में अंग्रेजों की पुलिस नहीं थी, अंग्रेजों की सेना थी, उनकी मिलिट्री थी। 1860 के बाद उन्होंने सेना के साथ पुलिस की भी स्थापना कर ली और इसके लिए पुलिस एक्ट बना और इसमें अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि जो भी पुलिस अधिकारी होगा वो भारतवासियों पर कितना भी अत्याचार कर सकेगा, लाठियों से मारेगा, लाठियों से पीटेगा, और अगर कोई भारतवासी उसमें मर भी जाए तो अंग्रेज अधिकारी को कोई दोष नहीं लगेगा, उसको कोई दंड नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था की थी। इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है राइट टू ऑफेंस। राइट टू ऑफेंस माने अंग्रेज अधिकारी किसी भी भारतवासी को मारे पीटे और उसका सिर भी फोड़ दे और उसमें हत्या भी कर दे उसकी, तो अंग्रेज अधिकारी को दोष ना लगे, ऐसा नियम राइट टू ऑफेंस। और भारतवासियों को कोई भी मारपीट अगर हो रही है तो उससे अपना बचाव करने का मौका ना मिले, ये राइट टू ऑफेंस। अगर अंग्रेज अधिकारी लाठियों से पीट रहा है, आपने उसकी लाठी पकड़ने की कोशिश की, तो आपके खिलाफ मुकदमा बनेगा, अंग्रेज के खिलाफ नहीं बनेगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने की इंडियन पुलिस एक्ट में। इस कानून को 1860 में लागू किया गया और इसी कानून की ताकत से भारत के क्रांतिकारियों पर भयंकर अत्याचार किए गए। एक उदाहरण तो मैं जरूर दूंगा आपको, हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय, उत्तर भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में उनकी गिनती हुआ करती थी। उस समय लाहौर भारत का अंग था, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ नहीं था, तो लाहौर में लाला लाजपत राय अपने क्रांति वीरता का काम किया करते थे। अंग्रेजों ने एक कानून बनाने के लिए कमीशन नियुक्त किया था, उसका नाम था साइमन कमीशन। वो भारत आया था और भेजा गया था उसको कि कुछ और कठोर कानून भारत में बनाकर लागू किए जाएं। तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला जी ने एक जुलूस निकाला था, निहत्ते लोगों का जुलूस था, शांतिप्रिय जुलूस था। उस जुलूस पर अंग्रेजों की पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गईं और अंग्रेजों की पुलिस ने जुलूस पर जब लाठियां बरसाई तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स ने जानबूझकर लाला लाजपत राय के सिर में लाठियां मारी, एक लाठी मारी, दो मारी, तीन मारी, चार, पांच, छह, दस, ग्यारह, बारह, चौदह लाठियां मारी। परिणाम क्या हुआ, लाला जी के सिर से खून ही खून निकलने लगा। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी के सिर पर लाठियां मारकर जिस अंग्रेज ने उनकी हत्या की उसका नाम था सैंडर्स। उस अंग्रेज अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए भारत के एक दूसरे क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह ने पुलिस में दरखास्त की, अपील की। उनकी दरखास्त पर पुलिस ने एक्शन लिया, बाद में अदालत में यह मामला गया और अदालत ने यह कहकर सैंडर्स को बाइज्जत बरी कर दिया कि लाला जी के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है वो कानून के हिसाब से हुआ है, उसमें सैंडर्स की कोई गलती नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह ने बहस की इस विषय में तो उनका तर्क यह था कि लाठी मारने का नियम है कि कमर के नीचे के हिस्से में लाठी मारी जाती है, सिर पे लाठी नहीं मार सकते आप, लेकिन लाला जी के सिर पे लाठी मारी गई। शहीद आजम भगत सिंह के इस तर्क को अंग्रेजों ने माना नहीं और अंत में फैसला यह हुआ कि इंडियन पुलिस एक्ट कानून के हिसाब से सैंडर्स को यह अधिकार था कि वो लाला जी को लाठियों से पीटे। अब लाला जी की इसमें मृत्यु हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अफसोस व्यक्त कर सकते। तो सैंडर्स बाइज्जत बरी हो गया, तो भगत सिंह को गुस्सा आया और भगत सिंह ने यह संकल्प लिया
कि लाला जी की हत्यारे सैंडर्स को अंग्रेजों की प्रशासन ने, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था ने दंड नहीं दिया है, मैं संकल्प करता हूं कि सैंडर्स को मैं दंड दूंगा और इसको वहां पहुंचाऊंगा जहां इसने लाला जी को पहुंचाया। और आप जानते हैं अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली से मारा था और अंत में सैंडर्स को गोली से मारकर भगत सिंह गिरफ्तार हुए थे और भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई उसके काफी दिन पहले वो लाहौर की जेल में बंद हुए थे और उनसे बहुत लोग मिलने जाते थे। अमृतसर के एक पत्रकार महोदय उनसे कभी मिलने गए, भगत सिंह को पूछा कि आपके दिल की इच्छा क्या है। भगत सिंह ने कहा कि मैं तो फांसी चढ़ रहा हूँ, देश के लिए शहीद हो रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं भारत के नौजवानों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, वो ये कि जिस अंग्रेजी कानून के चलते लाला लाजपत राय की हत्या की गई थी उस इंडियन पुलिस एक्ट कानून को भारत के नागरिक और नौजवान आज़ादी की लड़ाई के समाप्त होने से पहले ख़त्म करा देंगे, ये मेरे दिल की इच्छा है, ये मेरी भावना है। जिस इंडियन पुलिस एक्ट के कारण शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई, जिस इंडियन पुलिस एक्ट के कारण हमारे देश के अमर क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी की हत्या की गई, दुर्भाग्य हम सबका ये है कि वो इंडियन पुलिस एक्ट का कानून अभी आज़ादी मिलने के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वैसे का वैसा ही चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेज पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती थी उसी तरह से आज की पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती है। आपने अक्सर टीवी में समाचार सुना होगा, कई बार अखबारों में पढ़ा होगा पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ऐसे ही लाठी चार्ज होता है जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था, कभी किसानों के ऊपर होता है, कभी मजदूरों के ऊपर होता है, कभी कारीगरों के ऊपर होता है, कभी कभी तो अफसोस है इस बात का कि अंधे लोगों पर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, लूले लंगड़े लोगों पर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, शरीर से विकलांग लोगों के ऊपर पुलिस का लाठी चार्ज होता है। कई बार मैंने टेलीविजन पर मेरी आंखों से देखा है कि किसान पानी के लिए कोई अपना जुलूस कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी मांगने वाले किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और किसान उसमें मारे जाते हैं, अपनी जमीन को बचाने वाले किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, किसान उसमें मारे जाते हैं। पीने का पानी मांगना कोई जुर्म है क्या? अपने खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की मांग करना कोई जुर्म है क्या? कोई अपराध है क्या जिसके लिए पुलिस इतनी बड़ी सजा देती है कि किसानों को गोलियों से मार देती है, लाठियां मार मार के उनको लूलुहान कर देती है? अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा दिल्ली में गन्ने का भाव किसानों को उचित मिलना चाहिए क्योंकि चीनी का भाव बहुत बढ़ गया है, तो गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। चीनी अभी 40 रुपए किलो बिक रही है, 13 रुपए किलो की चीनी 40 रुपए किलो हो गई, तो किसानों ने कहा कि हमारा 125 रुपए क्विंटल का गन्ना 280 रुपए क्विंटल खरीदा जाना चाहिए। इसके लिए दिल्ली में एक धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने लाठियां मार मार के किसानों की कमर तोड़ दी, उनके हाथ पर तोड़ दी। पता नहीं कितने किसानों को हड्डियां टूटी हैं, कितनों को प्लास्टर चढ़े, ऐसा हमेशा होता रहता है। कारण क्या है? पुलिस के पास वही हथियार है जो अंग्रेजों की पुलिस के पास था और उस हथियार का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। उसी के आधार पर पुलिस आज भी अत्याचार करती है और निर्दोष नागरिकों को मारती है, पीटती है, उनको लहूलुहान करती है। बंगाल में एक छोटा सा गांव है नंदीग्राम, नंदीग्राम की कहानी आप सबको मालूम है, जबरदस्ती किसानों से जमीन छीनकर विदेशी कंपनियों को बेचने वाली वहां की सरकार के खिलाफ किसानों ने एक मोर्चा खोला था। बंगाल की पुलिस ने इतनी गोलियां चलाई थी कि बीसियों किसान नंदीग्राम में एक दिन में मार डाले उन्होंने। और जिन किसानों की पत्नियों, बहनों और बेटियों ने उस आंदोलन में भाग लिया अपनी जमीन बचाने के लिए, बंगाल की पुलिस ने उनके ऊपर इतनी बर्बरता ढाई कि माताओं, बहनों, बेटियों से बलात्कार किए उन्होंने। नंदीग्राम की रिपोर्ट सारे देश को शर्म से डुबो देने के लिए काफी है। हमारे देश में आजादी के 63 साल के बाद भी हमारी पुलिस वैसे ही अत्याचार करे मां, बहन, बेटियों पर जैसे कभी अंग्रेजों की पुलिस किया करती थी, तो हम कैसे कहें कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है? कैसे कहें कि हम स्वाधीन हो गए? मुझे तो बहुत दिल में इस बात के लिए क्रोध आता है कि शहीद आजम भगत सिंह को हम कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित करें, लाला लाजपत राय को हम कौन से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उनको हम ये कहें कि लाला लाजपत राय जी
आपकी हत्या जिस अंग्रेजी कानून के चलते हुई थी, आजादी के 63 साल के बाद भी उस कानून को हम बदल नहीं पाए। शहीद आजम भगत सिंह को हम ये कहें कि जिस कानून के चलते आपने फांसी का फंदा चूमा था, अपनी पूरी भरी जवानी को देश पर लुटा दिया था, उस अंग्रेजी कानून के खिलाफ अभी तक हम कोई सफल लड़ाई नहीं लड़ पाए, उस अंग्रेजी कानून को हम खत्म नहीं करा पाए, समाप्त नहीं करा पाए। ये बहुत क्षोभजनक है, बहुत ज्यादा दुख देने वाला है, क्रोध पैदा करने वाला। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे बीसियों उदाहरण है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में आया, उसका नाम था डलहौजी। उसने किसानों से जमीन छीनने के लिए एक कानून बनवाया, उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। उस कानून में यह व्यवस्था की गई कि किसानों की सारी जमीनें छीनकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाएं और अंग्रेज सरकार को दे दी जाएं। डलहौजी ने एक एक दिन में 21,000 किसानों से जमीनें छीनी। लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों की संसद में पारित हुआ, भारत में उसको लागू करा दिया गया। उस कानून में व्यवस्था क्या थी कि जिस जमीन पर अंग्रेजों की सरकार एक नोटिस लगा देगी, उसी दिन से वो जमीन अंग्रेजों की हो जाएगी। कोई किसान हजारों साल से जिस जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहा है, हजारों साल से उसके पुरखे और वो उस जमीन पर हल जोत रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार का कानून ये कहता है कि कल अगर उस पर नोटिस लग जाए सरकार का, तो जमीन तुरंत वो किसान को छोड़ देनी पड़ेगी और सरकार को दे देनी पड़ेगी। तो इस कानून के आधार पर जमीनें छीनना शुरू किया और 10 करोड़ किसानों को डलहौजी और अंग्रेजों की सरकार ने भूमिहीन बना दिया, लाखों करोड़ों एकड़ जमीन उनसे छीन ली। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है, 50 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन किसानों से छीनी गई इस कानून के हिसाब से, भूमिहीन बना दिया किसानों को। और किसानों ने इस जमीन के छीनने वाले कानून के खिलाफ इतना संघर्ष किया है इस देश में, शायद ही किसी दूसरी कौम ने कोई किया होगा। सबसे बड़े संघर्षों में एक संघर्ष रहा, किसानों के जमीन को बचाने का संघर्ष, जो डलहौजी के जमाने से 1848 से चल रहा है और आज तक इस देश में चलता ही आ रहा है। मुझे दुख है ये कहते हुए, डलहौजी ने जिस कानून के आधार पर किसानों से जमीनें छीनी थी, वो लैंड एक्विजिशन का कानून डलहौजी के मरने के बाद, अंग्रेजी सरकार के चले जाने के 63 साल के बाद भी वैसे का वैसा ही चल रहा है और आज भी किसानों की जमीनें उस कानून के आधार पर छीनी जा रही हैं और किसानों को भूमिहीन बनाया जा रहा है। आप जानते हैं, कभी भी सरकार का नोटिस आता है और गांव का गांव खाली करा दिया जाता है और गांव वालों को कहा जाता है तुम कहीं और चले जाओ, तुम कहीं और बस जाओ, ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि इस जमीन पर शराब का कारखाना लगाना है, ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि विदेशी कंपनियों को यहां कोई कारखाना लगाना है, ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि भारत के बाहर के आए हुए कोई पूंजी निवेशक लोगों को ये जमीन की जरूरत है। किसानों से जमीनें छीनी जाती हैं। आप सभी आजकल सुनते हैं ना, सरकार ने एक योजना बना रखी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज बनाना है। हजारों एकड़ जमीनें छीनी जा रही हैं, लाखों एकड़ जमीनें किसानों से छीनी जा रही। कानून वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था, लैंड एक्विजिशन एक्ट। बस अंतर इतना है कि पहले गोरे अंग्रेजों के द्वारा वो कानून इस देश में चलाया गया, अब उसी कानून को काले अंग्रेज चला रहे हैं और लाखों लाखों करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना रहे हैं और उनका जीवन दुश्वारियों से भरता चला जा रहा है। एक कारण बताया गया कि भारतवासियों ने क्रांतिकारियों को पैसे का दान बहुत दिया, उसके कारण यह क्रांति सफल हुई। तो अंग्रेजों ने पता लगाया कि भारत के क्रांतिकारियों को कितना दान मिला, तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के आंकड़ों के अनुसार भारतीय क्रांति वीरों को 480 करोड़ रुपए का दान मिला था उस समय। आप पूछेंगे यह 480 करोड़ रुपए होता कितना है, इस 480 करोड़ रुपए में 300 का और गुणा कर लो तो आज के रुपए के बराबर यह होता है। 480 करोड़ में 300 का और गुणा कर लो तो 2009 के रुपए के बराबर यह होता है, क्योंकि 1857 के रुपए की कीमत 2009 के 300 रुपए के बराबर है लगभग। तो इतना बड़ा धन क्रांतिकारियों को दान में मिला,
तो अंग्रेजों की संसद की आंखें फटी रह गईं कि भारतवासियों के पास इसका माने दान करने के लिए पैसा है तो भारतवासी आगे भी क्रांतिकारियों को दान करेंगे। तो अंग्रेजों की संसद ने फैसला लिया कि जितना भी पैसा भारतवासियों के पास है ये सब छीन लो उनके हाथ से। राजाओं ने भी कभी भारतवासियों की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाए। एक सबसे खराब मुस्लिम राजा जिसका जिक्र हम करते हैं औरंगजेब, उसने जजिया कर लगाया था। जजिया कर का मतलब होता है गृह कर, हाउस टैक्स, घर के ऊपर लगाया जाने वाला कर। तो औरंगजेब ने घर के ऊपर कर लगाया था, आमदनी पे उसने भी नहीं लगाया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों की आमदनी पे कर लगाया। और वो भी कर कितना लगाया, 97%। माने 100 रुपए की आमदनी किसी भारतवासी को हो तो 97 रुपए अंग्रेजों को देना पड़े, 3 रुपए सिर्फ उसके पास बचे। ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई, सारा पैसा भारतवासियों से लूट लेना ताकि भारतवासियों के हाथ में कुछ ना बचे तो वो क्रांतिकारियों को दान ना दे सकें। इसके लिए इनकम टैक्स का कानून आया इस देश में। अब मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि अंग्रेजों ने जो लूटने का कानून बनाया था वो कानून आज़ादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है, इंडियन इनकम टैक्स के नाम से ही चल रहा है और आज भी भारतवासियों से धन लूटा जा रहा है। बस अंतर इतना है, पहले गोरे अंग्रेजों ने लूटा था और उस धन को ले जाके लंदन में जमा किया था, अब काले अंग्रेज उस कानून के आधार पर धन लूट रहे हैं और स्विट्जरलैंड में ले जाकर उस धन को जमा कर रहे हैं। व्यवस्था वही की वही चल रही है, कानून वही का वही चल रहा है। अंग्रेजों ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट बनाया, कोई भी भारतवासी किसी वस्तु का उत्पादन करे तो उस पर 350% एक्साइज ड्यूटी। अंग्रेजों ने सेल्स टैक्स लगाया, अंग्रेजों ने रोड टैक्स लगाया, टोल टैक्स लगाया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगाया और ऐसे 23 तरह के टैक्स कानून लगाकर इस देश के नागरिकों को जमकर लूटा लगभग 190 वर्षों तक। अब अंग्रेजों ने ये सब कानून बनाए थे भारत को लूटने के लिए, तो आजादी के बाद होना ये चाहिए था कि ये सारे कानून खत्म किए जाएं, इनकम टैक्स खत्म किया जाए, सेंट्रल एक्साइज खत्म किया जाए, रोड टैक्स टोल टैक्स खत्म किया जाए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स खत्म किया जाए। तो होना तो ये चाहिए था कि अंग्रेजों के लगाए गए 23 तरह के टैक्स खत्म किए जाएं, लेकिन हमारे काले अंग्रेजों ने इसका उल्टा किया। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद काले अंग्रेजों ने अब इस देश पर 64 तरह के टैक्स लगा रखे हैं और देश को लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने भी जितना नहीं लूटा होगा उससे कई गुना ज्यादा काले अंग्रेज, भ्रष्टाचारी नेता और भ्रष्टाचारी अधिकारी इस देश को लूट रहे हैं। और इसी लूट के दम पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इन्होंने विदेशी बैंकों में जमा करके रखा हुआ है, जिसको वापस लाने का संकल्प भारत स्वाभिमान अभियान ने किया हुआ है। दुख और अफसोस इसी का है कि व्यवस्था वही चल रही है, कानून वही चल रहे हैं। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट वही है, टैक्स के कानून वही हैं, शिक्षा का कानून वही है, जंगल का एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसमें क्या किया गया, पहले हमारे देश में जंगल ग्राम सभा की संपत्ति होते थे, अंग्रेजों ने कानून बनाकर अंग्रेजी सरकार की संपत्ति बना दिया जंगलों को। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने जंगल कटवाना शुरू किए और वो कटते कटते जंगल आज इस देश में बहुत थोड़ी मात्रा में रह गए। आंकड़े बताते हैं, दस्तावेज बताते हैं कि भारत में जितने कुल जंगल थे उसमें से मात्र 33% जंगल अब बचे हैं, 67% जंगलों को काट काट के नाश मार दिया है। और अंग्रेजों ने सबसे पहले जंगल काटने के लिए एक विदेशी कंपनी को लाइसेंस दिया था और वो कंपनी सिगरेट बनाती थी। सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है और उस कागज को बनाने के लिए लकड़ी लगती है, लकड़ी के लिए पेड़ लगता है, तो पेड़ों को सबसे पहले काटा गया इस देश में सिगरेट का कागज बनाने के लिए। जिस कंपनी को अंग्रेजों ने भारत में सिगरेट का कागज बनाने के लिए जंगल काटने का अधिकार दिया था, वो कंपनी आजादी के 63 साल के बाद भी इस देश में जंगलों को काट रही है, सिगरेट बना रही है, कागज के लिए पेड़ों को बर्बाद किया जा रहा है और देश के पूरे पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। कैसी विद्रूपता है अपने देश की, आप में या कोई जंगल में रहने वाला भारतवासी किसी पेड़ को अगर काटेगा तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार उसको जेल हो जाएगी। आप पेड़ नहीं काट सकते, मैं पेड़ नहीं काट सकता। और इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा
कि आपने कोई पेड़ लगाया, मैंने कोई पेड़ लगाया, मेरा लगाया हुआ पेड़ मैं नहीं काट सकता, आपका लगाया हुआ पेड़ आप नहीं काट सकते, कानून है। मैंने पेड़ लगाया उसको बड़ा किया, आपने पेड़ लगाया उसको बड़ा किया, जरूरत पड़ने पर मैं वो पेड़ काटूं या आप वो पेड़ काटें संभव नहीं है, कानून है, और कानून के चलते आपको जेल हो जाएगी। लेकिन आपके लगाए हुए पेड़ को, मेरे लगाए हुए पेड़ को कोई विदेशी कंपनी सिगरेट बनाने के लिए काटे, तो उस विदेशी कंपनी के किसी अधिकारी को सरकार ना जेल भेजती है, ना उसकी गिरफ्तारी करती है, ना उसको कोई नोटिस दिया जाता है। और हर साल एक विदेशी कंपनी मात्र सिगरेट का कागज बनाने के लिए 1400 करोड़ पेड़ काट देती है हर साल। आप सोचिए 1400 करोड़ एक विदेशी कंपनी के सिगरेट के कागज को बनाने के लिए, और सरकार खामोश है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि वो सिगरेट कंपनी पेड़ काटे तो कुछ नहीं होता, कोई साधारण नागरिक पेड़ काटे तो मुकदमा चलता है। जबलपुर के हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, एक माँ है जो वनवासी है, वन क्षेत्र में रहती है, उसने एक दिन लकड़ी काटी और लकड़ी काट के चूल्हा जलाया और अपनी रोटी बनाई, तो जंगल के अधिकारियों ने उस माँ को पकड़ लिया, उसको जेल हो गई, फिर उच्च अदालत में उसको पेश किया गया, तो उसके मुकदमे की जब सुनवाई हुई तो उस माँ को कहा गया कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये दो कानून हैं, इनके अनुसार आपको जेल में भेजा जाएगा क्योंकि आपने लकड़ी काटी है। तो उस मां ने जो कहा अदालत में, उसका जवाब पूरी भारत की व्यवस्था के पास नहीं है। उस मां ने जज से कहा कि जज साहब, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे कोई पढ़ाई नहीं आती है, मैं कभी स्कूल नहीं गई हूं, और उसने कहा कि मैं किसी कानून को नहीं जानती हूं, मैं तो अंगूठा टेक हूं, अगर कहीं मुझे अपना नाम लिखने को कहा जाता है मैं तो अंगूठा लगाती हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूं, और उस जवाब को अगर आप मुझे संतुष्टि से दे दें तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। उसने सवाल पूछा कि मैंने जंगल से लकड़ी काटी अपना चूल्हा जलाने के लिए और रोटी बनाने के लिए, और इस देश में बहुत सारे लोग लकड़ियां काट रहे हैं अपने घर का सोफा सेट बनाने के लिए, अपने घर की किवाड़े बनाने के लिए, अपने घर का दरवाजा बनाने के लिए, इस देश में बहुत सारे लोग लकड़ियां काट रहे हैं सिगरेट बनाने के लिए, अगर ये सब लोगों को आप जेल नहीं भेज सकते तो किस आधार पर आप मुझे जेल भेज रहे हैं, मैंने तो लकड़ी काटी है अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए और रोटी बनाने के लिए। और उस मां ने इतनी तीखी बात कही अदालत में, उसने कहा जज साहब, अगर चूल्हे में आग जलाने के लिए मैं लकड़ी ना जलाऊं तो क्या मेरे दोनों हाथ जलाऊं? इस व्यवस्था के पास उसका कोई उत्तर नहीं। क्यों उत्तर नहीं है? क्योंकि व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की है, कानून अंग्रेजों के जमाने का है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसमें साधारण आदमी जंगल से लकड़ी लाए तो वो अपराधी है, और विशेष लोग जंगल के जंगल साफ कर दें, कंपनियों के लोग अधिकारी, तो उनको कोई सजा नहीं है। ऐसा अत्याचार इस देश में अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ, आज तक चला आ रहा है। इसी तरह के कई कानून है इस देश में। बहुत हंसी आती है कि अगर आप जंगल के किसी प्राणी के ऊपर प्रहार करें और गलती से उसकी हत्या हो जाए तो आप बहुत जल्दी जेल भेज दिए जाएंगे, लेकिन उस जंगल में रहने वाले किसी आदिवासी वनवासी का आपके किसी कारण से मरना हो जाए या उसका जीवन समाप्त हो जाए तो व्यवस्था खामोश है, मौन है, व्यवस्था के पास कोई जवाब नहीं है उसका। वन्य प्राणी जीवित रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस देश का इंसान भी जीवित रहना चाहिए, इसमें भी दो राय नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राणी का जितना महत्व है इंसान का महत्व उससे कोई कम नहीं है। इंसान और प्राणी दोनों भगवान के बनाए हुए जीव हैं, दोनों को जिंदा रखना और उनकी व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकार उसको नहीं निभा पा रही है क्योंकि कानून ऐसा है। ऐसे इस देश में 34,735 कानून हैं। मैं किस किस को बताऊं और किस किस को छोड़ूं? इसलिए ये सारे कानून जब तक इस देश में चलेंगे हम नहीं कह सकते कि भारत स्वतंत्र हुआ है, हम नहीं कह सकते कि भारत आजाद हुआ है, हम नहीं कह सकते कि भारत स्वाधीन हुआ है। अंग्रेज भाग गए लेकिन अंग्रेजियत बची हुई है, कानूनों के रूप में वो बची हुई है।
तो भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं को यह बात अपने मन में गहराई से उतारने की है कि भारत की आजादी, भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वाधीनता तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक अंग्रेजों के बनाए हुए 34,735 कानून इस देश में चल रहे हैं, तब तक ये स्वाधीनता पूरी नहीं हो सकती। और एक दो कानून का उदाहरण देता हूं। यहां माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, इनको ध्यान में रखकर एक बात कहना चाहता हूं। जब अंग्रेजों की सरकार चला करती थी तो उनका एक तरीका था भारतवासियों पर अत्याचार करने का, तो वो किसी किसान पर अत्याचार करते थे लगान वसूलने के लिए। किसानों से लगान लिया जाता था और वो 90% होता था। किसान अगर 100 क्विंटल अनाज पैदा करे तो 90 क्विंटल अंग्रेजों को देना पड़ता था। जो किसान चुपचाप देते थे अंग्रेज उनको छोड़ते थे, और जो किसान नहीं देते थे लगान अंग्रेज उनके ऊपर अत्याचार किया करते थे। तो अत्याचार में पहला काम क्या होता था, किसानों को कोड़े से पीटा जाता था। कोड़ा आप जानते हैं, चमड़े का एक बनाते हैं, उसमें लोहे की कील लगाते हैं और वो मारा जाता था। 100-100 कोड़े किसानों को मारे जाते थे सिर्फ इसलिए कि वो लगान नहीं दे सकते। ज्यादातर किसानों की स्थिति ये होती थी कि 5-7 कोड़ा खाते खाते बेहोश हो जाते थे। 100 कोड़ा पड़ते पड़ते तो उनकी मृत्यु हो जाती थी, प्राण निकल जाते थे। ज्यादातर किसानों के साथ ये होता था। फिर अंग्रेज वहां तक रुकते नहीं थे, किसान को कोड़े से मार डाला फिर उसके परिवार की मां बहन बेटियों का शील हरण करते थे। मां बहन बेटियों के कपड़े उतारे जाते थे, पूरे गांव में उनको नंगा घुमाया जाता था। फिर अंग्रेज अधिकारी सबके सामने उनका शील भंग करते थे, बलात्कार करते थे, और सारे अंग्रेज अधिकारी इसमें शामिल रहते थे। इससे अंग्रेज अधिकारियों को अपनी वासना शांत करने का तो रास्ता खुलता ही था, उनको अत्याचार और हैवानियत दिखाने का भी रास्ता खुलता था। परिणाम क्या होता था, किसानों के घरों से शिकायत आती थी, मेरी माँ से बलात्कार हुआ, मेरी बहन से बलात्कार हुआ, मेरी बेटी से बलात्कार हुआ। किसान ये शिकायतें लेके अंग्रेज अधिकारियों के पास आते थे। अंग्रेज अधिकारियों की समस्या ये होती थी कि अपने ही सहयोगियों के खिलाफ वो एक्शन क्या ले। मान लीजिए एक उच्च अधिकारी है अंग्रेज, उसके पास किसी किसान ने शिकायत की और उससे नीचे वाले अधिकारी ने उस किसान की माँ बहन बेटी से बलात्कार किया, तो उच्च अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी को बचाने में लग जाता था। और उसको बचाने के लिए अंग्रेजों ने फिर एक रास्ता निकाला और उस रास्ते को कानून में बदल दिया। बलात्कार के खिलाफ अंग्रेजों ने कानून बनाया सबसे पहला, और उस कानून में व्यवस्था यह की कि जिस मां बहन बेटी के ऊपर बलात्कार होगा उस मां बहन बेटी को अंग्रेजों की अदालत में आकर सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। जिस अंग्रेज ने बलात्कार किया है उसको कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, और जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक वो अंग्रेज अभियुक्त नहीं माना जाएगा, उसको पापी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। ये कानून बना दिया अंग्रेजों ने। कानून बनते ही बलात्कार की बाढ़ आ गई पूरे देश में, हर गांव में, हर शहर में माताओं बहन बेटियों की इज्जत से अंग्रेजों ने खेलना शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि कोई भी मां बहन बेटी अदालत में यह सिद्ध कर ही नहीं सकती कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। कानून की गलियां ऐसी टेढ़ी बनाई गईं कि किसी भी मां बहन बेटी को यह सिद्ध करना एकदम असंभव हो जाए कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। आप देखो इससे बड़ा दुनिया में क्या अत्याचार हो सकता है कि जिसके ऊपर अत्याचार हुआ उसे सिद्ध करना है कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिसने अत्याचार किया उसको कुछ भी सिद्ध नहीं करना है कि इसने अत्याचार किया। परिणाम यह होता था कि 100 अंग्रेज बलात्कार करते थे भारत की माता बहन बेटियों से, तो उसमें से मुश्किल से 2-3 अंग्रेजों के खिलाफ साबित हो पाता था और उनको ही सजा मिल पाती थी। 97-98 अंग्रेज बिल्कुल छूट जाते थे, बाइज्जत बरी हो जाते थे, और फिर वो दोबारा बलात्कार करते थे और फिर माता बहन बेटियों की हत्या करते थे। हमारे पास दस्तावेज हैं कई अंग्रेज अधिकारियों के जिन्होंने अपनी पर्सनल डायरी में ये लिखा है। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था कर्नल नील, उसकी डायरी है, उसकी डायरी के कुछ पन्ने हैं फोटोकॉपी के रूप में। उसमें वो लिख रहा है कि जहां जहां मेरी नियुक्ति हुई भारत में, उसकी नियुक्ति कई जगह पर हुई थी, वाराणसी में वो रहा, इलाहाबाद में वो रहा, बरेली में वो रहा, दिल्ली में वो रहा, बदायूं में रहा, कई जगह उसकी नियुक्ति हुई। तो कर्नल नील अपनी डायरी में लिख रहा है कि जहां जहां मेरी नियुक्ति हुई कोई दिन ऐसा बाकी नहीं गया जब मैंने किसी भारतीय मां बहन बेटी का
शील हरण नहीं किया। ये नील की डायरी के अपने लिखे हुए शब्द हैं। आप सोचिए कितने हैवानियत वाले थे ये सब अंग्रेज, और ये सब किया उन्होंने कानून की मदद से किया। बलात्कार का कानून ऐसा बना दिया कोई भी मां बहन बेटी सिद्ध ही ना कर सके और किसी भी अंग्रेज को उसमें सजा ना मिल सके। अब मुझे बहुत बड़ा दुख है, अफसोस है कि ये कानून आजादी मिलने के 15 अगस्त 1947 को जला डालना चाहिए था, ये खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन यही कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है और आज भी इस देश में माताओं बहन बेटियों से बलात्कार हो रहे हैं और माताओं बहन बेटियों को अदालत में सिद्ध करना पड़ रहा है कि उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार करने वाले को कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता अदालत में, ऐसी कार्यवाही होती है। आप जानते हैं किसी भी मां बहन बेटी को खुलेआम सरेआम जवाब ऐसे सवाल पूछें कि उसके साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, वो अगर सभ्य है थोड़ी भी सुसंस्कृत है जवाब नहीं दे सकती है, उत्तर नहीं दे सकती है। और उसके मौन का फायदा उठाकर ये कानून हमारे देश की करोड़ों मां बहन बेटियों से खिलवाड़ करता है। बहुत दुख है ये कहते हुए कि बलात्कार के 100 अपराध इस देश में जब पुलिस के यहां रजिस्टर्ड होते हैं तो मात्र 5 अपराध में सजा होती है, 95 अपराधों में अपराधी छूट कर बाइज्जत बरी हो जाते हैं, क्योंकि कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ। अब बलात्कार के कानून हो, चोरी डकैती के कानून हो, हिंसा के कानून हो, पुलिस के कानून हो, प्रशासन के कानून हो, टैक्स के कानून हो, शिक्षा व्यवस्था के कानून हो, या हमारे देश में ये जंगलों की सुरक्षा के कानून हो, सबके सब अंग्रेजों के बनाए हुए, सबके सब उनके चलाए हुए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के लोगों को इन कानूनों से न्याय मिल जाएगा। इन कानूनों के बारे में एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश में न्याय व्यवस्था का जो सबसे बड़ा कानून है उसका नाम है इंडियन पीनल कोड, IPC। अगर यहां कोई वकील मित्र बैठे होंगे तो बात उनको बहुत जल्दी समझ में आएगी। और एक दूसरा कानून है सिविल प्रोसीजर कोड, CPC, और एक तीसरा कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अपराध दंड संहिता। तो IPC इंडियन पीनल कोड, CPC सिविल प्रोसीजर कोड, और CRPC माने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 3 कानून हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था का आधार बनाए गए हैं या आधार माना जाता है। आपको मालूम है ये तीनों ही कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। IPC को बनाने का काम तो खुद मैकॉले ने किया था, IPC की ड्राफ्टिंग मैकॉले की बनाई हुई है, इंडियन पीनल कोड जिसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं, जिसके आधार पर दंड की व्यवस्था होती है। मैकॉले ने अपने पिता को एक पत्र लिखा है, उस पत्र में वो कहता है कि मैंने भारत में ऐसे न्याय के कानून का आधार रख दिया है जिस पर भारतवासियों को कभी न्याय मिलेगा ही नहीं, जिसके आधार पर भारतवासी कभी न्याय पा ही नहीं सकते, हमेशा इनके ऊपर अन्याय होगा। और ये अच्छा ही होगा क्योंकि गुलाम जिनको बनाया जाता है उन पर अन्याय ही किया जाता है, उनको न्याय नहीं दिया जाता। फिर जब ढूंढना शुरू किया हम लोगों ने तो पता चला ये IPC नाम का कानून जो भारत में मैकॉले ने 1860 में लाया, ये कानून अंग्रेजों ने आयरलैंड में सबसे पहले बनाया था और लगाया था। आयरलैंड को अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा हुआ है 1000 साल से, तो आयरलैंड को गुलाम बनाकर रखने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया आयरिश पीनल कोड, उसी कानून को भारत में कह दिया इंडियन पीनल कोड। आप जानते हैं आयरलैंड लिखते हैं तो ए से नहीं लिखा जाता, आई से लिखा जाता है, IRELAND आयरलैंड, तो आयरलैंड का आई ले लिया और इंडिया का भी आई है, तो कानून वैसे का वैसे ही लगा दिया इस देश पर। जो आयरलैंड का पीनल कोड था आयरिश पीनल कोड, वही इंडियन पीनल कोड है। और मैंने जब आयरलैंड के पीनल कोड को खरीद कर पढ़ा और इंडियन पीनल कोड को खरीद कर पढ़ा, दोनों को सामने रखा, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि कॉमा फुल स्टॉप भी बदला नहीं गया, वो भी वैसे का वैसा ही है। बस इतना ही किया मैकॉले ने कि आयरिश पीनल कोड में जहां जहां आयरलैंड है, जहां जहां आयरिश है, वहां उसने इंडिया कर दिया और इंडियन कर दिया, बाकी सब धाराएं वैसी हैं और सारे अनुच्छेद वैसे के वैसे ही हैं।
तो आयरलैंड को गुलाम बना के रखना है, इसलिए आयरिश पीनल कोड बनाया। तो भारत को गुलाम बनाकर रखना है, तो इंडियन पीनल कोड बना दिया। अब जिस कानून को गुलाम बनाने के लिए तैयार किया गया हो, उस कानून के आधार पर आजादी के बाद न्याय कैसे मिलेगा, जरा बताइए। अन्याय ही होने वाला है। सबसे बड़ा अन्याय क्या होता है कि आईपीसी के आधार पर जब कोई मुकदमा दर्ज होता है इस देश में, तो सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज होने में महीनों महीनों लगते हैं, एफआईआर करनी पड़ती है, उसके बाद पुलिस को साबित करना पड़ता है, सबूत जुटाने पड़ते हैं, अदालत में जाना पड़ता है, इस पूरी प्रक्रिया में ही देर लगती है, क्योंकि तरीका अंग्रेजों का यही है। फिर वो मुकदमा दाखिल हो जाए तो फिर सुनवाई शुरू होती है, सुनवाई के लिए सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, उन सबूतों के लिए अंग्रेजों के जमाने का एक कानून है, इंडियन एविडेंस एक्ट, और वो सबूत जल्दी इकट्ठे हो नहीं पाते हैं, धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है, और एक मुकदमे को 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल समय निकल जाता है, मुकदमा दाखिल करने वाला मर जाता है, फिर उसके लड़के लड़कियां उस मुकदमे को लड़ते हैं, वो जवान होकर बूढ़े हो जाते हैं, तब भी मुकदमा चलता ही रहता है, उसमें कभी अंतिम फैसला नहीं आ पाता। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के पिछले 63 वर्षों में हमारी अदालतों में लगभग 3.5 करोड़ मुकदमे हैं जो दर्ज किए गए हैं अलग अलग प्रार्थियों के द्वारा, लेकिन उनमें कोई फैसला नहीं आ पा रहा है। 3.5 करोड़ मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, पेंडिंग है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था के अधिकारियों से जब पूछा जाता है कि इन 3.5 करोड़ मुकदमों का फैसला कभी आएगा, तो वो मजाक करते हुए कहते हैं कि 300-400 साल में फैसला आ जाएगा। तो हम उनसे पूछते हैं वो कैसे, तो वो कहते हैं कि जिस गति से कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था चल रही है, इस गति से तो इन सभी मुकदमों का फैसला आने में 300-400 साल तो लग ही जाएंगे, तो ना वादी जिंदा रहेगा ना प्रतिवादी जिंदा रहेगा। न्याय व्यवस्था को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वादी जिंदा है प्रतिवादी जिंदा है, उनको तो लेना देना है अंग्रेजों के बनाए गए कानून के आधार पर फैसला देने से। अब मैं एक बड़ी गहरी बात आपके बीच में उठाना चाहता हूं और सारे राष्ट्र के लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई न्यायाधीश अंग्रेजों के बनाए गए कानून के आधार पर अगर फैसला दे रहा है तो वो न्याय कैसे कर सकता है, ये पूछिए अपने दिल से, पूछिए उस न्यायाधीश से, पूछिए। और न्यायाधीशों से जब जब मैंने ये पूछा है कि क्या आप न्याय देते हैं, तो वो कहते हैं ईमानदारी से हम न्याय नहीं दे पाते, हम तो मुकदमों का फैसला करते हैं, फैसला होना अलग बात है, न्याय देना बिल्कुल अलग बात है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूं फैसला क्या होता है और न्याय क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी गाय को डंडे से पीटा, तो कानून के हिसाब से आपको जेल हो जाएगी। गाय को डंडे से पीटना भारत में अपराध है, जुर्म है, इसके लिए जेल हो जाती है। लेकिन उसी गाय को आपने गर्दन से काट दिया और उसके मांस की बोटी बोटी आपने बेच दी बाजार में, आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि कानून से वो न्याय सम्मत है। अब गाय को डंडे से मारो तो जेल हो जाती है, लेकिन गाय को गर्दन से काट कर उसके मांस की बोटी बोटी बेचो तो भारत सरकार करोड़ों रुपए की सब्सिडी देती है आपको। मैं अगर गौशाला खोलना चाहूं तो इस देश की कानून व्यवस्था के अनुसार मुझे बैंक से कर्ज नहीं मिल सकता, लेकिन गाय को कत्ल करने के लिए कत्ल खाना बनाना हो उसके लिए बैंक करोड़ों रुपए कर्ज देने को तैयार है मुझे। आप सोचिए, मैं गौशाला बना के गाय का दूध बेचना चाहता हूं, बैंक के पास जाता हूं मुझे कर्ज दे दो, बैंक कहती है हमारी योजना में गाय को कर्ज देने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसी बैंक के पास मैं जाता हूं कि मुझे कत्ल खाना खोलना है और कर्ज दे दो, तो बैंक खुशी से कर्ज देती है, उस कर्जे पर ब्याज सबसे कम लिया जाता है और करोड़ों रुपए का कर्ज तो मुफ्त में दिया जाता है सब्सिडी के रूप में। आप बताओ कि अगर मैं गाय का मांस बेचने के लिए कत्ल खाना खोलूं तो मेरे लिए कर्ज है, सब्सिडी है, गौशाला खोलूं गाय को पालन करने के लिए तो मुझे ना सब्सिडी है ना बैंक की कोई मदद है, ऐसी व्यवस्था में न्याय कहां हो सकता है। और एक उदाहरण दूं, किसी बच्चे को जन्म लेने से पहले अगर कोई मारे ना तो उसको गर्भपात कह के छोड़ देते, लेकिन जन्म लेने के बाद मारे तो हत्या हो जाती है और 302 का मामला बनता है। बच्चे को जन्म से पहले गर्भ में मारा तो भी हत्या है,
जन्म लेने के बाद मारा तो भी हत्या है, दोनों में सजा एक जैसी होनी चाहिए और वो फांसी ही होनी चाहिए। लेकिन जन्म से पहले मारो तो गर्भपात है और जन्म के बाद मारो तो हत्या है। इसलिए इस देश के लाखों लालची डॉक्टर करोड़ों बेटियों को गर्भ में ही मार डालते हैं, क्योंकि गर्भ में मार देने से उनको फांसी नहीं होती है, गर्भ के बाहर मारेंगे तो फांसी होने की संभावना है। 1 करोड़ बेटियों को हर साल इस देश में गर्भ में ही मार दिया जाता है इसी कानून की मदद से। अब आप बताओ कि बेटी को गर्भ में मार दो तो गर्भपात, गर्भ के बाहर आने के बाद मारो तो हत्या। अगर इन कानून के आधार पर कोई फैसला होगा तो वो न्याय दे सकता है? फैसला हो सकता है, न्याय नहीं दे सकता। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से भारत के सभी न्यायविदों से ये कहता हूं कि सभी न्यायाधीशों को अपना नाम बदलना चाहिए, कायदाधीश लिखना चाहिए, कानूनाधीश लिखना चाहिए। वो न्यायाधीश तो है ही नहीं, क्योंकि न्याय तो दे ही नहीं पा रहे हैं, वो तो मुकदमे का फैसला कर रहे हैं। अगर अंग्रेजी में उनके शब्दों में कहूं तो वो कहते हैं हम तो केस डिसाइड करते हैं, हम जजमेंट नहीं करते। क्योंकि न्याय देना बिल्कुल अलग है, मुकदमे का फैसला करना बिल्कुल अलग है। मुकदमे का फैसला होता है कानून के आधार पर और न्याय होता है धर्म के आधार पर, सत्य के आधार पर। धर्म और सत्य से न्याय की स्थापना हो सकती है, कानून से न्याय की स्थापना नहीं हुआ करती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में धर्म और सत्य की सत्ता नहीं है, कानून की सत्ता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, धर्म और न्याय की बात नहीं होती, सत्य की बात नहीं होती। तो ये अंग्रेज छोड़कर चले गए पूरी कानून व्यवस्था को, और वही ढो रहे हैं हम आजादी के 63 साल के बाद। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश में हमारा धर्म कहता है, हमारी न्याय व्यवस्था जो भारतीय न्याय व्यवस्था है जिसमें धर्म आधार है, जो वेदों पर आधारित है, जो उपनिषदों पर आधारित है, स्मृतियों पर आधारित है, वो न्याय व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा धर्म कहता है कि शराब पीना पाप है और नहीं पीना चाहिए, गोहत्या करना पाप है और नहीं करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ शराब पीना पाप बताया गया। तो धर्म पर आधारित, सत्य पर आधारित और भारतीय न्याय दर्शन पर आधारित जब तक समाज व्यवस्था चली, इस देश में किसी ने कभी शराब नहीं पी। बहुत सालों से मैं एक शोध के काम में लगा हुआ हूं कि भारतवासियों ने सबसे पहले शराब कब पी। तो अब तक मुझे जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण कहते हैं कि 1760 के पहले तक किसी भी भारतवासी ने कभी भी शराब नहीं पी। पहली बार इस देश में 1760 में शराब पी गई, और वो कलकत्ता में पी गई, और वहां पर एक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहली बार शराब बिकी और भारतवासियों ने पी, और उस शराब की दुकान को स्थापित कराया रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक अंग्रेज ने। और उसने जब कंपनी का राज चलता था इस देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कानून बनवाया, कानून से लाइसेंस दिया गया, और उस लाइसेंस के आधार पर कलकत्ते में पहली शराब की दुकान खुली 1760 में, और उस शराब की दुकान पर आकर भारतवासियों ने शराब पीना शुरू किया। रॉबर्ट क्लाइव के समय में जब यह शराब की दुकान खुली और जिस अंग्रेज अधिकारी की पहली नियुक्ति इस दुकान पर हुई, उस अंग्रेज अधिकारी को एक बार लंदन की संसद में बुलाया गया था बयान देने के लिए। तो वो अंग्रेज अधिकारी जब लंदन गया संसद में बयान देने के लिए, तो उससे पूछा गया कि बताओ तुम्हारे शराब का धंधा कैसा चल रहा है। तो उसने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। तो अंग्रेज संसदीय समिति के सदस्यों ने कहा ये तुम क्या बोल रहे हो, भारत में शराब का धंधा अच्छा चल रहा है। उसने कहा हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारे पहले कैसा चलता था। उसने कहा मेरी शराब की दुकान खुलने के पहले तो कोई शराब पीता ही नहीं था, मैं तो पहला आदमी हूं जिसने कलकत्ता के लोगों को शराब पीना सिखाया। तो तुम्हारी दुकान पर लोग आते हैं? हाँ आते हैं, भीड़ की भीड़ आ रही है। तो तुमने क्या किया उनको अपनी दुकान पर बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए? तो उसने एक बात कही संसदीय समिति के सामने, जो अंग्रेजों की संसद के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वो कहता है कि मैंने सबसे पहले मुफ्त में शराब पिलाई भारतवासियों को। उसने कहा कि मैंने एक बोर्ड लगा दिया शराब की दुकान के बाहर और उस पर लिख दिया, और उसको बांग्ला भाषा में लिखा, पहले अंग्रेजी में फिर बांग्ला में, और उस पर यह लिखा कि यहां मुफ्त में शराब मिलती है, आइए पीजिए, आनंद लीजिए, ऐसा करके बोर्ड पर लिख दिया। तो एक आया, उसने चखा,
फिर दूसरे दिन वो दो को और लेके आया, फिर तीसरे दिन तीन को लेके आया, तो कहने लगे अब तो मेरे पास ऐसे ग्राहकों की संख्या हो गई है कि जिनको पहले मैंने मुफ्त में शराब चखाई थी, अब वो घर से पैसे चुरा कर लाते हैं और मेरी शराब पीकर वहां से जाते हैं। तो अंग्रेजी संसदीय समिति बड़ी खुश हो गई, उसने कहा तुमको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। तो वो कहता मुझे अगर पुरस्कार देना है तो एक लाइसेंस और दे दो, दूसरी दुकान में वहीं खोलना चाहता हूं शराब की। तो दूसरी दुकान खुल गई, फिर तीसरी खुल गई, फिर चौथी खुल गई। एक दिन 350 दुकानें हो गई कलकत्ता में, और ये दुकानें बढ़ती रहीं, अंग्रेज इसको बढ़ाते रहे। शराब पीने का कानून बना दिया, कानून में ये लिख दिया कि अगर कोई बालिग हो गया तो शराब पीने का अधिकारी हो गया, जब तक वो नाबालिग है तब तक ना पिए, बालिग हो गया तो पीने लगे। अब हमारे यहां अंग्रेजों के जमाने में बहस चली कि भारत में कोई बालिग है या नाबालिग है, इसकी उम्र क्या मानी जाए। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, मैं सबको बताना चाहता हूं कि सालों साल अंग्रेजों ने बालिग होने की उम्र 14 साल रखी, फिर उसको 16 साल किया, फिर आते आते वो 18 साल हो गई। माने थोड़े समय तक ये था कि 14 साल के ऊपर हो जाए तो शराब पी ले। तो अंग्रेजों को पूछा गया कि तुमने ये 14 साल कैसे रख दिया, तो उन्होंने कहा हमारे इंग्लैंड में 14 साल में सब शराब पीने लगते हैं, तो हमने भारत में भी रख दिया। आप जानते हैं इंग्लैंड में 12-14 साल के बच्चे शराब पीने लगते हैं, क्योंकि उनके माता पिता पीते हैं, देख देख के वो भी पीने लगते हैं। यूरोप में भी 12-14 साल में शराब पीने लगते हैं। तो चूंकि यूरोप और इंग्लैंड में 12-14 साल में शराब पीने लगते, तो भारत में भी वही उम्र उन्होंने रख दी। फिर थोड़े दिन बहस होकर 16 साल किया, फिर उसको 18 साल कर दिया। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए था, आजादी मिलने के बाद ये कानून समाप्त कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारी न्याय व्यवस्था में शराब पीना पाप है, अधर्म है और सबसे घृणित काम है, तो ये खत्म होना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार तो काले अंग्रेजों ने चलाई ना, उन्होंने क्या किया कि ये शराब के कानून को और ज्यादा खुला कर दिया, और इतना खुला कर दिया कि पहले अंग्रेजों के जमाने में जब शराब का कानून बना था ना, तो अंग्रेजों ने उस कानून में एक जगह ये लिखा हुआ था कि भारत में अगर कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजों ने कानून में यह लिखा, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, कोई धर्म स्थान है, उससे 500 मीटर दूर तक कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। फिर इसी में अंग्रेजों ने एक और वाक्य जोड़ा था कि विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इन काले अंग्रेजों ने तो उसको भी हटा दिया उसमें से। इन काले अंग्रेजों ने आजादी के बाद जो कानून बनाया है, अब वो कानून ये है कि मंदिर के सामने शराब की दुकान है, मस्जिद के सामने शराब की दुकान है, गुरुद्वारों के सामने शराब की दुकानें हैं, और खाली शराब की ही दुकानें नहीं है, उससे ज्यादा और भी घृणित काम करने के दूसरे अड्डे वहां खोले हुए, जुए के अड्डे हैं, वैश्यावृत्ति के अड्डे हैं। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, और अंग्रेजों के बाद काले अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून। परिणाम यह हुआ कि जिन अंग्रेजों ने एक शराब की दुकान खोली थी, आज इस देश में काले अंग्रेजों की मदद से लाइसेंसधारी शराब की दुकानें 32,000 हो गई हैं, और अगर आप बिना लाइसेंस वाली दुकानों को गिनेंगे तो वो 1,00,000 से ज्यादा हैं। गांव गांव शराब की दुकान खुल रही है। अगर आप कल्पना करिए 1,00,000 शराब की दुकानें हैं, तो इसका माने भारत के हर 6 गांवों के बीच में एक शराब की दुकान है। अब काले अंग्रेजों की तैयारी चल रही है कि हर गांव में एक शराब की दुकान होनी चाहिए, माने हर गांव में 6,38,000 से ज्यादा पूरे भारत में शराब की दुकानें होनी चाहिए, सारे देश को शराब में डुबो देना चाहिए। और इसकी नीति कई राज्यों में बनकर लागू हो रही है। कई राज्यों ने तो यहां तक तय कर लिया है कि गांव-गांव में ही शराब नहीं मिलेगी, वैन चलाएंगे शराब बेचने वाली, जैसे मरीजों को ले जाने के लिए चिकित्सा सहायता वैन होती है ना, वैसे शराब बेचने के लिए वैन। दिल्ली सरकार का फैसला, राजस्थान सरकार का फैसला, भारत के कई राज्य सरकारें अब वाहन चलाएंगी, मोबाइल वैन चलाएंगी, उनमें गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर शराब परोसी जाएगी और लोगों को बेची जाएगी। हम कैसे कहें भारत स्वतंत्र हो गया? अंग्रेजों ने भारतवासियों को शराब में डुबोया तो उनके पीछे स्वार्थ था कि भारतवासी नशे के शिकार बने, इनको गुलाम बनाया जाए और लूटा जाए। अब आजादी के बाद के काले अंग्रेज भी भारतवासियों को शराब में ही डुबोना चाहते हैं,
तो कैसे कहें देश स्वतंत्र है, देश स्वाधीन है, देश आजाद है, अभी भी ये देश परतंत्र है। और एक बहुत खराब उदाहरण देना चाहता हूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं एक शोध पर और लगा हुआ हूं। हमारे भारत देश में वैश्यावृत्ति कब से शुरू हुई? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, पटना है, जितने बड़े शहर हैं वहां बड़े बड़े वैश्यावृत्ति के अड्डे हैं। दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, मेरठ में है, आदि आदि ऐसे भारत में कई जगहों पर वैश्यावृत्ति के अड्डे हैं। और कोलकाता तो सारे देश में बदनाम है इस बात के लिए कि सबसे बड़ा वैश्यावृत्ति का केंद्र कोलकाता है। तो मैं इस पे बहुत दिन से काम कर रहा हूं कि ये कब से शुरू हुए, तो पता चला कि वैश्यावृत्ति का सबसे पहला अड्डा भी लाइसेंस देकर अंग्रेजों ने शुरू कराया था इस देश, और वो कोलकाता में ही बना था। आप कभी कोलकाता जाएं ना, तो वहां एक एरिया है, क्षेत्र, उसका नाम है सोनागाछी। ये सोनागाछी एरिया में सबसे पहला वैश्यावृत्ति का केंद्र इसी बदमाश रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू कराया था 1760 में। एक तरफ शराब का केंद्र शुरू कराया, दूसरी तरफ वैश्यावृत्ति का लाइसेंस देकर केंद्र शुरू कराया था। जब रॉबर्ट क्लाइव को यह बहुत सारे भारतवासियों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हमें कुछ तो करना है। और जरूरतें क्या हैं? अंग्रेज आते थे इस देश में तो अपने बीवी बच्चों को लेकर थोड़ी आते थे। जितने अंग्रेजों का इतिहास मैंने पढ़ा है, जाना है, समझा है, उसमें से लगभग 95% अंग्रेज इस देश में अकेले आए थे। उनकी बेटियां उनके साथ नहीं, उनकी पत्नियां उनके साथ नहीं, उनका परिवार उनके साथ नहीं, अकेले आते थे। अकेले आते थे तो शरीर की भूख शांत करने के लिए उनको कोई ना कोई स्त्री चाहिए, तो उस स्त्री की तलाश में वो भूखे भेड़ियों की तरह से घूमा करते थे समाज में, और उसमें दुराचार और बलात्कार होते थे। तो फिर कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि इसमें बहुत शिकायतें आती हैं, कोई भी अंग्रेज अधिकारी किसी भी गांव में चला जाता है, किसी भी मां बहन बेटी को उठा के जबरदस्ती उससे अपनी हवस और वासना शांत करता है, तो इसका कोई रास्ता निकाल दो और कानूनी रास्ता निकाल दो। तो अंग्रेजों ने कानूनी रास्ता निकाला, और वो कानूनी रास्ता ये निकाला कि कुछ मां बहन बेटियों से जबरदस्ती बलात्कार किया। परिणाम ये हुआ कि उनको उनके परिवार में रहने लायक स्थिति नहीं रही। जब किसी की माँ को, बहन को, बेटी को जबरदस्ती आप परिवार से उठाएंगे, उसका शील भंग करेंगे, उसका बलात्कार करेंगे, तो परिवार उसको दोबारा स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हो पाता, और वो माँ बहन बेटी भी परिवार के पास जाने की स्थिति में नहीं हो पाती, तब वो बेघर हो जाते। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जिन माँ बहन बेटियों को बलात्कार करके बेघर किया, फिर उन्हीं माँ बहन बेटियों को लाइसेंस देकर उनको वैश्या बना दिया, और उन वैश्याओं के लिए जगह जगह कोठे बना दिए। फिर उन कोठों पर अंग्रेज जाने लगे और अपनी हवस और वासना की पूर्ति वहां वो करने लगे, और फिर धीरे धीरे जहां जहां अंग्रेजों की सेना उन्होंने रखी, हर जगह उन्होंने ये वैश्यावृत्ति के केंद्र शुरू किए। कोलकाता में किया, छावनी जहां पर है अंग्रेजों की, जिसको आप कैंट कहते हैं ना, कैंट, जिस भी भारत के नाम के साथ कैंट लगा हो, जैसे मेरठ कैंट, जैसे दिल्ली कैंट, जैसे बरेली कैंट, जैसे शाहजहांपुर कैंट, जैसे अलीगढ़ कैंट, ये कैंट शब्द जहां भी आप सुने पढ़े, रुड़की का कैंट या हरिद्वार के आसपास कहीं कैंट, ये कैंट क्षेत्र थे अंग्रेजी सैनिकों के रहने वाले क्षेत्र। और जहां जहां उन्होंने कैंट बनाए, हर जगह वैश्यावृत्ति का अड्डा बना दिया, क्योंकि सैनिक रहते हैं, अपने शरीर की वासना को शांत करना ही है। तो शराब और वैश्यावृत्ति, इन दोनों को कानूनन रूप से इस देश में शुरू करा के और एक उद्योग की तरह स्थापित करा दिया, ये अंग्रेजों ने इस देश में किया। शराबी बना दिया, वैश्यावृत्ति बना दिया हमको, फिर जुए का शिकार बना दिया। तरह तरह के जो जुए इस देश में होते हैं, ज्यादातर जुए अंग्रेजों के जमाने के शुरू किए हुए, और ये जुए वैश्यावृत्ति और शराब के लिए उन्होंने क्लब बनाए, और ये क्लब अभी भी हैं जगह जगह। आप जानते हैं, कहीं दिल्ली में जिम खाना क्लब है, तो कहीं मेरठ में जिम खाना क्लब है, तो कहीं किसी और जगह जिम खाना। ये सारे जिम खाने क्लब एक जमाने में अंग्रेजों की अय्याशी के अड्डे थे। अंग्रेज अधिकारी आते थे मौज मस्ती करने के लिए, ये सारे क्लब बनाए गए थे। अब होना क्या चाहिए था,
अंग्रेजों के जाने के बाद सबसे पहले इस देश में कानून बदल होना चाहिए था शराब का, फिर कानून बदल होना चाहिए था वैश्यावृत्ति का, फिर कानून बदल होना चाहिए था बलात्कार वाला, फिर कानून बदल होना चाहिए था गोहत्या का, फिर कानून बदल होना चाहिए था ये जो क्लब खोले गए अंग्रेजों के द्वारा अय्याशी के लिए। लेकिन काले अंग्रेजों ने एक भी ये कानून बदल नहीं किया, क्योंकि काले अंग्रेजों को भी उसी रास्ते पर चलना था जिस रास्ते पर चलकर गोरे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा या बलात्कार का शिकार बनाया, अत्याचार का शिकार बनाया। काले अंग्रेज भी वही कर रहे हैं। गोहत्या का कानून नहीं बना सके, शराबबंदी का कानून नहीं बना सके, वैश्यावृत्ति को रोकने का कानून नहीं बना सके, इस देश में अनाचार पाप और अत्याचार के खिलाफ कुछ नहीं हो पाया आजादी के 63 साल। गोहत्या बंद करने के लिए गोहत्या निषेध का कानून बनना है। गांधी जी ये बार बार कहा करते थे। गांधी जी ने अपनी हत्या के 6 महीने पहले ये कहा था कि आजादी मिलते ही कलम की एक नोक से सबसे पहला कानून मैं बनवाऊंगा तो गोहत्या निषेध का कानून बनवाऊंगा। ये गांधी जी का वायदा था पूरे देश से, और आजादी मिलने के 6 महीने पहले का वायदा है। और ये वायदा किसी व्यक्तिगत बैठक में उन्होंने नहीं किया, भरी सभा में ये वायदा किया था और सारे देश के अखबारों में मुख पृष्ठ पर ये छपा था। और उस समय की कटिंग हमारे पास है। महात्मा गांधी ने सारे देश को आश्वासन दिया था कि आजादी मिलते ही गोहत्या निषेध का कानून बनेगा, आजादी मिलते ही अंग्रेजी हटाने का कानून बनेगा, आजादी मिलते ही शिक्षा व्यवस्था बदली जाएगी, आजादी मिलते ही अंग्रेजों के सारे कानून रद्द किए जाएंगे, शराब बंद की जाएगी, पूरे देश में शराबबंदी लागू की जाएगी। ये गांधी जी ने वायदा किया था पूरे देश को। लेकिन गांधी जी के परम शिष्यों ने, जो गांधी जी का नाम लेकर सत्ता की सीढ़ी पर चढ़े और जिन्होंने गांधी जी को पूरे देश में भुनाया वोट के लिए और नोट के लिए, उन लोगों ने गांधी जी की ही हत्या कर दी। गांधी जी की कहे हुए एक भी वाक्य को उन्होंने नहीं माना और गांधी जी के वायदे को उन्होंने सत्ता मिलते ही और गांधी जी की हत्या होते ही 6 महीने में भुला दिया। मुझे तो कभी कभी ये कहने का मन करता है, हालांकि ये कहने लायक बात नहीं है, नाथूराम गोडसे ने तो महात्मा गांधी के शरीर की हत्या की थी, महात्मा गांधी के परम शिष्यों ने सत्ता के लालच में महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या की, उनकी भावना की हत्या की, उनकी कही हुई एक बात को उन्होंने नहीं माना, एक छोटी सी बात उन्होंने नहीं मानी। गांधी जी ने ऐसे तो सैकड़ों बातें कही हैं। उनकी जो पुस्तक है हिंद स्वराज, जिसको आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं, महात्मा गांधी ने सन 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी और उसमें भारत कैसा होना चाहिए, भारत की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, बहुत बारीक और विशद वर्णन है उसमें। तो गांधी जी का ये कहना था कि मेरी आज़ादी माने भारत की आज़ादी के बाद ये हिंद स्वराज में जो कुछ लिखा है इसका एक शब्द भी बदलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही भारत बनाना है। वो हिंद स्वराज का करीब 100 वर्ष पूरा हुआ है, सारा देश महात्मा गांधी को नमन कर रहा है, उनकी इस पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, उस पर बहसें हो रही हैं, सेमिनार सिंपोजियम्स हो रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इतनी बेशरम है कि महात्मा गांधी की लिखी गई उस पुस्तक के एक भी शब्द को नीतियों में बदलने को, कार्य में बदलने को तैयार नहीं है, योजना में बदलने को तैयार नहीं है। तो अब हमें करना है ये काम। महात्मा गांधी ने जो कुछ हिंद स्वराज में लिखा है, महात्मा गांधी ने एक और सुंदर पुस्तक लिखी है मेरे सपनों का भारत, एक तो हिंद स्वराज है एक मेरे सपनों का भारत है, इन दोनों पुस्तकों में भारत के भविष्य का जो कुछ खाका उन्होंने खींचा है, कैसा भारत होना चाहिए, व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, नीतियां कैसी होने चाहिए, कानून कैसे होने चाहिए, हम भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि महात्मा गांधी के देखे हुए सपने को, उनके लिखे हुए वाक्यों को इस देश की नीतियों में बदलवाएंगे, कानूनों में बदलवाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन का काम वहीं से शुरू कराएंगे। हमें ये काम करना है, नहीं तो ये गुलामी बहुत लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी गुलामी किसी समाज में चल जाती है तो समाज आत्मविस्मृति की स्थिति में चला जाता है। ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं आनी चाहिए। व्यवस्था के स्तर पर जो हमारी गुलामियां हैं कानून की, शिक्षा की, इसी तरह से एक गुलामी है अर्थव्यवस्था की। मैं आपको अर्थव्यवस्था की गुलामी के बारे में 2-3 वाक्यों में कहना चाहता हूँ, वो ये कि अंग्रेजों ने एक नियम बनाया इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और वो नियम ये था कि नागरिकों से टैक्स लिया जाए और उस टैक्स से कुछ हिस्सा लोगों के विकास पर खर्च किया जाए और बाकी हिस्सा लूट कर लंदन में ले जाया जाए।
ऐसा उन्होंने एक नियम बनाया। तो टैक्स के माध्यम से अंग्रेज जो पैसा इकट्ठा करते थे उसमें से 90% लूट कर वो लंदन ले जाते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। वो कैसे लंदन जाता था, अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था वॉयसराय, या उसको कई बार गवर्नर जनरल कहते थे, उसके नीचे गवर्नर होते थे और उसके नीचे और सैकड़ों हजारों अधिकारी होते थे। तो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इन अधिकारियों को तनख्वाह देने में खर्च किया जाता था। गवर्नर जनरल की तनख्वाह सबसे ज्यादा हुआ करती थी उस जमाने में, फिर उसके नीचे गवर्नर, उनकी तनख्वाह होती थी, फिर गवर्नर की काउंसिल के मेंबर की तनख्वाहें होती थी, फिर अधिकारियों की। तो अगर 100 रुपए बजट में इकट्ठा हुआ, मैं कल्पना के लिए बात कर रहा हूं, तो 90 रुपए अंग्रेजी अधिकारियों की सीधे जेब में चला जाता था, 10 रुपए सिर्फ विकास के काम में आता था। अंग्रेजों ने इसको एक सुंदर नाम दिया था कि ये 10 रुपए का जो खर्चा है लोगों के ऊपर होने वाला, इसको वो कहते थे प्लैंड एक्सपेंडिचर, इसको कहते थे बहुत अच्छी योजना बनाकर किया गया खर्च। और जो 90% पैसा सीधे अंग्रेजों की जेब में जाता था उसको कहते थे नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत खर्च। तो बजट का 10% विकास पर खर्च होता था, 90% अंग्रेज सीधे लूटते थे। ये अंग्रेजों ने किया। 1927 के बजट के कुछ प्रमाण हमारे पास हैं, 1927 के पहले के बजट के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन पहले बजट के प्रमाण 1927 के हैं। वो ये बताते हैं कि 1927 के कुल बजट में 90% अंग्रेजों ने सीधे जेब में डाल लिया, 10% विकास में खर्च किया। तो भारत में गरीबी बढ़ती गई, बेकारी बढ़ती गई, भुखमरी बढ़ती गई, और अंग्रेजों का ये नियम चलता ही गया। आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में ये नियम बदला जाना चाहिए था, और होना ये चाहिए था कि अंग्रेजों के जाने के बाद 90% खर्चा लोगों के विकास पर हो और 10% खर्चा सरकार चलाने वाले अधिकारियों पर हो या सरकार पर हो। लेकिन काले अंग्रेजों ने जब से सरकार चलाई, भारतवासियों ने जब से अपनी सरकार बनाई, 63 साल गवाह हैं इस बात के, एक भी बजट ऐसा नहीं बना जिसमें 90% विकास पर खर्च हुआ हो और 10% सरकारी कर्मचारियों की और व्यवस्था पर खर्च हुआ हो। अभी भी 2009 का बजट देखो, 2008 का बजट देखो, 2007 का देखो, 2006 का देखो, 2005 का देखो, 63 साल में जितने बजट बने हैं, किसी भी बजट को उठाकर आप देखोगे तो तरीका वही है। 10% ही हिस्सा है जो विकास पर खर्च हो रहा है, 90% अभी भी हमारे नेता, अधिकारी और व्यवस्थाओं पर खर्च हो रहा है। और बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि गवर्नर जनरल और वॉयसराय होता था, सबसे ज्यादा तनख्वाह लेता था उस जमाने में। अब हमारे देश में उस स्थान पर राष्ट्रपति महोदय हैं और उनकी तनख्वाह भी इस देश में सबसे ही ज्यादा है। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि भारत का एक गरीब आदमी एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए भी नहीं पा सकता। 84 करोड़ लोग इस देश में 20 रुपए कम प्रतिदिन पर जिंदा हैं, माने एक दिन में 20 रुपए से कम खर्च कर पाते हैं, ऐसे 84 करोड़ लोग हैं। और इस देश के राष्ट्रपति का एक दिन का खर्चा 7.5 लाख रुपए का है, एक दिन का खर्चा। साल भर का खर्चा करीब 27 करोड़ रुपए का है। राष्ट्रपति एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, उपराष्ट्रपति एक दिन में करीब करीब 5.25 लाख रुपए खर्च करते हैं, प्रधानमंत्री एक दिन में 6.25 लाख रुपए खर्च करते हैं, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 90 मंत्री हैं, इन 90 मंत्रियों का एक दिन का खर्चा कुल मिला के करोड़ों रुपए का है। 84 करोड़ लोग इस देश में एक दिन में 20 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाते, और भारत सरकार के प्रथम व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जो वॉयसराय और गवर्नर जनरल होता था वो एक दिन में सबसे ज्यादा खर्च करता था और गरीब आदमी इस देश में भूखा मरता था। अंग्रेजों के जाने के बाद भी व्यवस्था वही है, राष्ट्रपति के ऊपर सबसे बड़ा खर्च है। और जो देश का मालिक है, जो इस देश का वोटर है, जो आप और मैं टैक्स देने वाले हैं, उसके ऊपर खर्चा सबसे कम है। तो आजादी के बाद भी अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। अंग्रेज सारा टैक्स इकट्ठा करके केंद्र सरकार के पास लाते थे, आजादी के बाद सारा टैक्स इकट्ठा होके केंद्र सरकार के पास जाता है।
अंग्रेजों के जमाने में केंद्र सरकार के टैक्स सबसे ज्यादा हुआ करते थे, आजादी के बाद केंद्र सरकार के टैक्स सबसे ज्यादा है। अंग्रेजों के जमाने में पूरी व्यवस्था में नियम बनाने के लिए अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, अब आज की व्यवस्था में नियम बनाने के लिए काले अंग्रेज हैं, कहीं कोई बदलाव नहीं है अर्थव्यवस्था में। अंग्रेजों के जमाने में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी और बड़े बड़े उद्योग हुआ करते थे, उनको सब तरह की छूट मिलती थी। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगों को सब तरह की छूट मिलती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके सभी के नाम आप जानते हैं, इनके ऊपर बैंकों का लाखों करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन बैंक वाले कभी भी उनके घर में जाकर छापा नहीं मारते। लेकिन किसानों के ऊपर बैंक का अगर 10,000 बकाया हो, 5,000 बकाया हो, तो बैंक वाले किसान के घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी इज्जत को नीलाम करके उसके घर के गाय बैल भैंस को खोल कर ले जाते हैं। किसानों का 10,000 भी माफ करने में दर्द होता है और बड़ी बड़ी कंपनियों का लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिया जाता है। हमारे देश में बड़े हैरानी की बात है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर बिजली के करोड़ों रुपए के बिल बकाया हैं और उनकी बिजली अबाध गति से उनको दी जाती है, और कोई किसान अगर बिजली का बिल भरने में थोड़ी भी देर कर दे तो उसके ट्यूबवेल का कनेक्शन काट देते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मर पर उठा के ले जाते हैं। किसान बिजली ना मिले तो खेत में पानी देने की स्थिति में नहीं रहता, लेकिन बड़े बड़े उद्योग वाले 5-5 साल 10-10 साल बिजली के बिल नहीं भरते, किसी की बिजली नहीं कटती है। बड़े उद्योग जहां लगते हैं, बड़ी कंपनियां जहां होती हैं, वहां सड़क भी बन जाती है, पानी भी आ जाता है, म्युनिसिपैलिटी के सारे NOCs आ जाते हैं, 2-3 महीने में उनके घर में सब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहुंच जाते हैं। लेकिन साधारण आदमी इस देश में कुछ करना चाहे तो उसको चप्पलें घिसते घिसते 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं, और उसको एक एक विभाग का NOC नहीं मिल पाता। मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में जैसी चलती थी वैसे ही आज भी चल रही। और एक बात बताऊं, अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था में एक कानून बनाया था कि अंग्रेजों का माल जो भारत में आकर बिकेगा वो टैक्स फ्री होगा, और भारत में जो स्वदेशी माल बनेगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा। और अंग्रेजों ने इस तरह से भारत के स्वदेशी माल को महंगा कर दिया और अंग्रेजी माल सस्ता हो गया। अब आजादी के 63 साल के बाद भी यही तरीका इस देश में अपनाया जा रहा है, बाहर से आने वाले विदेशी सामानों पर टैक्स घटाया जा रहा है और देश के अंदर बनने वाले स्वदेशी सामान पर टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। स्वदेशी सामान महंगा है, विदेशी सामान सस्ता है। और मुझे तो बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि कई विदेशी कंपनियां हैं जिनको भारत सरकार ने 10-10 साल के लिए टैक्स में खुली छूट दे रखी है, माने 10 साल तक वो भारत में जितना धन कमाएंगे उसमें एक पैसा भी उनको टैक्स नहीं देना है, वो सारा लूट कर ले जाएंगे बिना टैक्स दिए हुए। और भारतवासी एक भी ऐसा नहीं है जिसको सरकार टैक्स में छूट देने को तैयार हो। हमारे देश के शेयर बाजार में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आती हैं और लूट लूट कर सारा धन ले जाती हैं। शेयर बाजार से वो कैसे लूट करती हैं, कोई एक विदेशी कंपनी आई, उसने भारत की किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, भारत की कंपनी के शेयर का भाव बढ़ा दिया, 100 रुपए वाला शेयर अचानक से 500 रुपए में हो गया, फिर भारतवासियों के मन में लालच आता है कि ये 500 वाला शेयर कल 1,000 का हो जाएगा, तो भारतवासी अपनी सारी जमा पूंजी वो 500 रुपए का शेयर खरीदने में लगा देते हैं। शेयर का भाव 500 से 800 हो जाता है, किसी दिन 1,000 पे पहुंच जाता है, और जिस दिन विदेशी कंपनी देखती है कि अब इस शेयर का भाव इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम है, अधिकतम है, उसी दिन वो सारे शेयर्स बेच देते हैं। तो जो शेयर विदेशी कंपनी ने 100 रुपए में खरीदा उसको वो 1,000 रुपए में बेचते हैं और 900 रुपए एक एक शेयर पर लूटकर उसी दिन भारत से भाग जाते हैं, और हमारी सरकार उनसे एक पैसा टैक्स भी नहीं ले पाती है और उनके लूट के पैसे को भी नहीं रोक पाती है। शेयर बाजार में से एक एक दिन में 50-50 हजार करोड़ रुपए की लूट हो जाती है और इस देश के वित्त मंत्री के पेट का पानी नहीं हिलता, इस देश के प्रधानमंत्री के पेट का पानी नहीं हिलता। मुझे याद है एक दिन हमारे शेयर बाजार में से एक दिन में 48,000 करोड़ की लूट हुई थी, और वित्त मंत्री से अखबार वालों ने पूछा कि आप देश के वित्त व्यवस्था के नियंता हैं, इसकी सुरक्षा करने के लिए आपको यहां रखा गया है, 48,000 करोड़ लूट गया भारत का एक दिन में। तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया था, माफ कीजिए मैं अपनी नींद खराब नहीं करता,
48,000 करोड़ लुटे या 1,00,000 करोड़। वित्त मंत्री अपनी नींद खराब नहीं करता, ये बयान देश के वित्त मंत्री का था, कोई साधारण आदमी का नहीं था। शर्म है, अफसोस है कि ऐसे लोग वित्त मंत्री हैं जिनके देश में से 48,000 करोड़ लुट जाए और वित्त मंत्री कहे कि मैं मेरी नींद खराब नहीं करता इसके लिए। इतनी लूट हमारे यहां शेयर बाजार में से हो रही है। और कई कई कंपनियों ने क्या कर रखा है, भारत में घुसने के लिए चोर रास्ता ढूंढ रखा है। भारत सरकार की दुनिया के कुछ देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, माने दोहरा कराधान रोकने की संधि। जैसे एक मॉरिशस नाम का देश है, भारत की उससे एक संधि है, लिचेस्टन नाम का एक देश है, ऐसे 70 देशों से भारत सरकार की संधि है। उन देशों की कोई कंपनी भारत में आएगी तो भारत सरकार टैक्स नहीं लेगी, भारत की कंपनी उनके देश में जाएगी तो उनकी सरकार हमसे टैक्स नहीं लेगी, इस तरह की यह संधि की हुई है। लेकिन होता क्या है, अमेरिका और यूरोप की कंपनियां मॉरिशस के रास्ते भारत में घुस जाती हैं, वो मॉरिशस में अपना एक रजिस्टर ऑफिस बनाती हैं, एक कमरे का ऑफिस होता है, 10x10 का ऑफिस होता है, ढूंढने जाओ तो मॉरिशस में वो मिलेगा ही नहीं आपको, लेकिन यहाँ के रिकॉर्ड्स में मॉरिशस का कोई ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस वो दिखाते हैं और मॉरिशस की कंपनी बनके भारत में घुस जाते हैं। तो जितना वो मुनाफा कमाते हैं उस पर एक पैसा भी उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, सारा पैसा बिना टैक्स दिए हुए ले जाते हैं, क्योंकि मॉरिशस के साथ भारत सरकार की संधि है। एक एक साल में 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए लूट रहा है एक एक देश के कारण, वो मॉरिशस हो, लिचेस्टन हो या दूसरे कोई देश हो। ऐसे 70 देशों से संधि है, लाखों करोड़ों रुपए देश के लूट रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार वही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। अंग्रेजों की कंपनियां भारत को लूटें, अंग्रेज सरकार को कोई तकलीफ नहीं थी, अब भारत सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, विदेशी कंपनियां भारत को लूटें कोई तकलीफ नहीं। मुझे एक बहुत खराब उदाहरण आपको देना है। अंग्रेजों ने भारत में नमक पर कर लगाया था और नमक पर कर लगाकर नमक को महंगा कर दिया था। महात्मा गांधी ने उस नमक कर के खिलाफ बहुत बड़ा सत्याग्रह किया था, आप सभी जानते हैं दांडी मार्च उसी सत्याग्रह का नाम था। गांधी जी का यह कहना था कि गरीब आदमी सबसे सस्ती चीज है, नमक से रोटी खा सकता है, अंग्रेजों की सरकार ने उसी नमक को महंगा कर दिया। गांधी जी ने कहा यह मंजूर नहीं है, नमक के लिए जो कर लगा है उसके खिलाफ मैं सत्याग्रह करूंगा। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, अंग्रेज सरकार झुकी और गांधी जी के दबाव में आकर अंग्रेज सरकार ने नमक का कर वापस लिया, नमक का टैक्स वापस लिया और नमक फिर से सस्ता हुआ। लेकिन गांधी जी के जाने के बाद इस भारत देश में नमक फिर महंगा हो गया। जो नमक 15 पैसे किलो बनता है वो नमक आपको 7 रुपए 8 रुपए 9 रुपए किलो बेचा जा रहा है, कई कई शहरों में तो 15 रुपए किलो नमक बिक रहा है। आप पूछो नमक बनाने में 15 पैसे किलो का खर्च आता है, क्योंकि नमक बनाने में कोई चीज लगती ही नहीं है, समुद्र का पानी लगता है वो मुफ्त का है, सूरज की रोशनी लगती है वो भी मुफ्त की है, तो सूरज की रोशनी मुफ्त की, समुद्र का पानी मुफ्त का, तो फिर नमक बनाने में खर्चा क्या है। सूरज का धूप पानी के ऊपर पड़ती है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है, और ये नमक में मजदूरी 15 पैसे किलो के आसपास आती है। तो जो नमक 15 पैसे किलो बनता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए किलो में मिलना चाहिए, लेकिन वो 7 रुपए 8 रुपए किलो 15 रुपए किलो बेच रही है हमारी सरकार। तो हमारी सरकार कोई अंग्रेजों से कम थोड़ी है। अंग्रेजों ने नमक महंगा किया था टैक्स लगाकर, हमारी सरकार ने भी नमक को महंगा बना दिया कुछ विदेशी कंपनियों के लोभ और लालच में आकर, और वो नमक आप खा रहे हैं और मजबूरी में आप खा रहे हैं, 15 रुपए किलो 17 रुपए किलो 8 रुपए किलो 10 रुपए किलो जो मिलना चाहिए 15 पैसे किलो। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों की सरकार से भारत सरकार में कोई बहुत बड़ा अंतर आया है। अंग्रेजों की सरकार टैक्स लगा के लूटती थी, भारत की सरकार परोक्ष टैक्स लगाकर उसी नमक को महंगा बनाकर आपको लूट रही। इस देश में कोई तर्क समझ में नहीं आता कि आलू बाजार में हम खरीदें तो 5-7 रुपए किलो मिल जाए और उस आलू का चिप्स हम खरीदें 400 रुपए किलो में मिले, टमाटर हम बाजार में खरीदें 8-10 रुपए किलो मिल जाए, उसी टमाटर की चटनी खरीदें सॉस के नाम पर 200 रुपए किलो में मिले, कोई तर्क समझ में नहीं आता।
हमारे गांव में गाय का दूध 10 रुपए लीटर मिले और पानी की भरी हुई बोतल पेप्सी और कोका कोला की वो 30 से 35 रुपए लीटर मिले हमको, और वो भी जहर घुला हुआ। 10 रुपए लीटर में गाय का शुद्ध दूध मिले जो अमृत है, और 35 रुपए लीटर में जहरीला पानी मिले जिसको पी के किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, फेफड़े खराब हो जाए, कैंसर हो जाए, हमको कोई तर्क समझ में नहीं आता। मुझे तो इससे ज्यादा दुख नहीं लगता इस देश में कि हम गाय का घी खरीदें खाने के लिए 150 से 200 रुपए किलो में मिल जाए, और दांत घिसने के लिए टूथपेस्ट 300 रुपए किलो मिले हमको, 30 रुपए का 100 ग्राम 300 रुपए किलो, काजू नहीं है 300 रुपए किलो, टूथपेस्ट है 300 रुपए किलो, क्रीम लगाने वाली जो मुंह पर हम लोग फेयर एंड लवली इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरे देश में मिले 40 रुपए की 25 ग्राम, 80 रुपए की 50 ग्राम, 160 रुपए की 100 ग्राम, 1600 रुपए की 1 किलो मुंह पे लगाने वाली क्रीम, 300 रुपए किलो बादाम, 400 रुपए किलो और अच्छा बादाम, 300-250 रुपए किलो काजू, 200 रुपए किलो गाय का घी, अच्छी से अच्छी मिठाई खरीदें दूध की बनी हुई, खोवा की बनी हुई तो 150-200 रुपए किलो की, तो अच्छी से अच्छी चीजें खाने पीने की 150-200-250 रुपए किलो, और मुंह पे पोतने वाली क्रीम 1600 रुपए किलो। और हम भी ऐसे परम मूर्खों के मूर्ख 200 रुपए किलो घी ना खाएं, 1600 रुपए किलो की क्रीम चुपड़कर चेहरे पे लगाएं और कहें हम तो बहुत गोरे हो रहे हैं, हम तो बहुत सुंदर हो रहे हैं। व्यवस्था पूरी की पूरी अंग्रेजों के जमाने की, टैक्स लगा के लूटो अंग्रेजों का नियम, टैक्स लगा के लूटो अंग्रेजों के बाद का नियम, टैक्स लगा के लूटो, व्यवस्था को चलाओ थोड़े लोगों के लिए अंग्रेजों का नियम, आज भी वही नियम, व्यवस्था में परोक्ष रूप से खर्चा करो सरकार चलाने पर और तनख्वाह देने पर ज्यादा से ज्यादा, विकास पे सबसे कम, आज भी वही। तो सारी की सारी अर्थव्यवस्था की नीतियां नियम कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं, तो इसलिए लगता नहीं है कि भारत स्वतंत्र हो गया है या स्वाधीन हो गया है। इसी तरह से कृषि व्यवस्था में वही समस्या है, अंग्रेजों के जमाने में इस देश में यूरिया डीएपी और केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा आए, भारत की इसकी भूमि तैयार की गई, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजी और अमरीकी कंपनियों ने रासायनिक हथियार खूब बनाए और बेचे, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो रासायनिक हथियार बिकने बंद हो गए, लेकिन कारखाने उन्होंने चालू रखे, जिन रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके हथियार बनते हैं उन्हीं रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके उन्होंने यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट बना लिया, केमिकल पेस्टिसाइड बना लिया, और धीरे धीरे भारत में घुसाना शुरू किया, और अंग्रेजों के बाद के काले अंग्रेजों ने तो ऐसा नाश मारा इस देश का कि यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट को खुलेआम भारत में छूट दे दी, और गांव गांव गली गली घर घर किसानों ने कट्टे पे कट्टा यूरिया डाल डाल के मिट्टी का सर्वनाश कर दिया। जिस मिट्टी में 1 ग्राम भी यूरिया नहीं डाला जाता था, अभी वहां एक एक एकड़ में 10-10, 15-15 कट्टे यूरिया डाल देते हैं, डीएपी डाल देते हैं, जहर पर जहर डाल देते हैं, फिर खेत में फसल उगती है उस पर कीड़ा लगता है, कीड़े को मारने के लिए और जहर डाल देते हैं, पूरी खेती को विषैला बना दिया, पूरी धरती को विषैला बना दिया, पूरा पानी विषैला हो गया, उस खेती के अन्न को हम खा रहे हैं, हमारे शरीर में जहर आ रहा है। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि एक समय भारत देश के कुछ वैज्ञानिकों ने माताओं के दूध का परीक्षण किया था तो पता चला माताओं के दूध में डीडीटी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, एंडोसल्फान है माताओं के दूध में। कहां से पहुंच गया ये? माताएं जो अन्न खा रही हैं वो शरीर में आ रहा है, उस अन्न में ये जहर है तो दूध में आ रहा है, और वो दूध अपने नौनिहाल बच्चों को पिला रही हैं। बच्चों के शरीर में बचपन से आप दूध दे रहे हैं, उसमें एंडोसल्फान, डीडीटी, मेलाथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, इतने जहर। फिर वो बच्चा बड़ा होगा, उसके खून में भी जहर, उसके मन में भी जहर, उसके विचारों में भी जहर, उसके काम में भी जहर, और फिर पूरे समाज में जहर, और पूरे राष्ट्र में जहर, जहर ही फैलेगा, उसमें से अमृत नहीं निकलेगा। और ये जहर की शुरुआत हो रही है जहरीला खाना खा के, जो गेहूं चावल चना दाल मटर हम खा रहे हैं, खेतों में इतना जहर डलवा रही है हमारी सरकार, इतना ज्यादा कीटनाशक डलवा रही है हमारी सरकार,
पूरा देश का अन्न विषैला हो गया है, पानी विषैला हो गया है, हवा विषैली हो गई है, सब कुछ विषैला कर दिया इन सरकारों ने। अंग्रेजों ने तो विष घोला था हमारे जीवन के एक अंग में, इन काले अंग्रेजों ने तो पूरे जीवन में ही विष घोल दिया है। जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जो विष के प्रभाव से मुक्त हो। मुझे माफ करेंगे ये बात कहने के लिए कि हमारे देश की सरकारों का रवैया अंग्रेजों से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक है। हमारे सरकार की नीतियां और हमारे सरकार की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्थाओं से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रही। ऐसी स्थिति में कुछ तो करना पड़ेगा, और वो यही कर सकते हैं हम सब मिलकर कि इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाले जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, इनको जड़मूल से उखाड़ना पड़ेगा, तभी भारत सच्ची स्वतंत्रता हासिल करेगा और स्वाधीनता इस देश को मिल पाएगी। मैं माताओं बहनों से भाइयों से सबसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, और वो यही है कि अंग्रेजों के बनाए गए ये जो काले कानून हैं, अंग्रेजों की बनाई गई ये जो काली व्यवस्थाएं हैं, अंग्रेजों के बनाए गए ये जो अत्याचारी सारी की सारी तंत्र चल रही है हमारे देश में, इसको बदलने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुटना पड़ेगा, जीवन को लगा देने की तैयारी से जुटना पड़ेगा, अपने को होम कर देने की तैयारी के संकल्प के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आसान लड़ाई नहीं है, ये बड़ी गहरी और बड़ी दूर तक मार करने वाली लड़ाई है। आप सोचो कि खाली गोरे अंग्रेजों को भगाने मात्र में हमारे क्रांतिवीरों को 732,000 का तो संगठन खड़ा करना पड़ा, 4.5 करोड़ भारतवासियों को सहयोगी और समर्थक बनाना पड़ा, 480 करोड़ रुपए खर्च किए, तब जाकर खाली अंग्रेज भारत से भागे। अब उसकी तुलना आप करो, 732,000 का संगठन उस जमाने का जब हमारी आबादी 20 करोड़ की थी, फिर 4.5 करोड़ लोगों का सहयोग और समर्थन उस जमाने में जब आबादी हमारी 33 करोड़ हो गई, तो अब आबादी हमारे देश की 120 करोड़ है, तो आप सीधे सीधे हिसाब लगा लो कि हमको कम से कम तो इस देश में 15 से 20 और कभी कभी तो 25 करोड़ लोगों तक का संगठन खड़ा करना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये काले अंग्रेजों से हम हमारे देश को बचा पाएंगे। और उस जमाने में महात्मा गांधी, शहीद आजम, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आदि आदि क्रांतिवीरों ने 480 करोड़ रुपए का कुल खर्चा किया आजादी के लिए, तो आजादी के 63 साल के बाद रुपए का अवमूल्यन हो चुका है, तो हमें तैयारी रखनी पड़ेगी कि कम से कम हजारों करोड़ रुपए का खर्चा अब इस भारत स्वाभिमान की सफलता के लिए खर्च करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं हमारे पास, और खर्च करना पड़ेगा तो इसको जुटाना भी पड़ेगा, क्योंकि और कहीं से आएगा नहीं ये पैसा। कोई विदेशी आकर हमको देश के लिए दान नहीं देगा, कोई विदेशी आकर हमारे लिए सद्भावना व्यक्त तो कर सकता है, लेकिन हमको बहुत सारा धन उपलब्ध करा के हमारे देश की आजादी के बाद की नई आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, नई व्यवस्था की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत दूर तक सहयोग नहीं करेंगे। विदेशी सद्भावना व्यक्त कर सकते हैं और हमारे लिए मन में ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, आप अपने रास्ते को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हो, हम भी आपको सहयोग कर सकते हैं भावना से, मन से, लेकिन बहुत आगे तो नहीं आएंगे, करना तो आपको ही पड़ेगा, आप भारत में रहते हो तो या भारत के बाहर रहते हो तो, आपको दोनों स्तर पर इस देश की आज़ादी की नई लड़ाई के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई के लिए, नई व्यवस्था बनाने की लड़ाई के लिए सबसे पहला संकल्प यही करना है कि अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को हटाना है, अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्थाओं को बदलवाना है, कृषि व्यवस्था को बदलवाना है, चिकित्सा व्यवस्था को बदलवाना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलवाना है, कानून और न्याय व्यवस्था को बदलवाना है, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलवाना है, सभी व्यवस्थाओं को आमूलचूल पूरा बदलवाना है, कानून ये रद्द कराने हैं। अब आप जानते हैं कि कानून को रद्द कराना और नया कानून बनाना ये संसद करती है या विधानसभाएं करती हैं, तो संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा कि जो हमारी इस बात से सहमत हो कि अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून रद्द होने चाहिए और उनके स्थान पर नए कानून बनने चाहिए। या तो संसद और विधानसभाओं में आज जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस बात से सहमत कराना पड़ेगा कि भाई आप यहां आए हो,
देश ने आपके ऊपर बहुत विश्वास व्यक्त किया है, आपके चुनाव में देश ने लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया है, तो आप इस व्यवस्था को बदलने में कुछ हमारा सहयोग करो। अगर ये करते हैं तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो इनके स्थान पर नए लोगों को लाना पड़ेगा। काम तो ये करवाना ही है, ये लोग करें या इनके स्थान पर आए हुए नए लोग करें, और ये काम होगा संसद और विधानसभाओं से। तो संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोगों को भेजने के लिए हमें अभी से अपना मन मस्तिष्क तैयार करना पड़ेगा। दूसरा काम हमको एक और करना पड़ेगा, वो समाज के स्तर पर करना पड़ेगा कि ये जो गुलामी है व्यवस्था की, कानून की, ये तो सरकार के स्तर पर बदलेगी, कुछ गुलामी हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की भी है जिसे हम खुद बदलेंगे तभी वो ठीक होगी। आप बोलेंगे जी हमारे व्यक्तिगत जीवन की क्या गुलामी है, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अंग्रेजों का बहुत सारा नकल करते हैं, उनके आचरण का, हमारी पोशाक अंग्रेजों वाली हो गई है, हमारा खान पान अंग्रेजों वाला हो गया, हमारा आचरण व्यवहार अंग्रेजों वाला हो गया है, हर तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेजियत में डूबे हुए लोग भारत के दिखाई देते हैं। आप जानते हैं अंग्रेजों की पोशाक है कोट पैंट टाई और उसके बाद नेक टाई, क्योंकि अंग्रेजों का देश ठंडा देश है, ठंडे देश में शरीर को सर्दी ज़्यादा लगती है, हर समय ठंडी हवाएं चलती हैं, तो गर्म सूट और टाई और कोट पहनना, थ्री पीस सूट पहनना, उसके बाद ऊपर से टाई लगाकर गले को बंद कर लेना ताकि ठंडी हवा अंदर ना जा सके, ये अंग्रेजों की मजबूरी है। अपनी इस मजबूरी को पूर्ति करने के लिए उन्होंने सूट का आविष्कार किया, कोट बनाया, पैंट बनाया, जैकेट बनाया, थ्री पीस सूट बनाया, टाई बनाई, फिर ओवर कोट बनाया, फिर हैट बनाया ताकि कान ढके रहें, ये सब कुछ उन्होंने अपने जलवायु और मौसम की अनुकूलता के अनुसार किया ताकि उनको ठंड से बचाव करना, क्योंकि अंग्रेजों के देश में सबसे ज़्यादा लोग ठंड से ही मरे हैं। आपको मालूम है कि साल में 6-7 महीने सूरज नहीं निकलता, इंग्लैंड में और यूरोप में साल में 6-7 महीने सूरज नहीं निकलता, कभी कभी 8 महीने नहीं निकलता, बर्फ पड़ती है और खेतों में जमा हो जाती है, सड़क पर 5-5 फीट बर्फ, कभी कभी 10-10 फीट बर्फ जमा हो जाती है, पूरी सरकार का एक ही काम होता है उस समय बर्फ को सड़क से हटाना और फिर रास्ते को सुयोग्य बनाना। तो जिन देशों में बर्फ बहुत पड़ती हो, ठंडी हवाएं बहुत चलती हों, सूरज का धूप ना निकलता हो, धूप के दर्शन के लिए वो तरसते हों, वहाँ के लोगों को हमेशा कपड़े ऐसे ही पहनने पड़ेंगे जो ठंडी हवाओं से उनको बचा सकें और शरीर में गर्मी ला सकें, इसलिए वो कोट पैंट सूट और टाई और ओवर कोट आदि आदि पहनते हैं। अब हम भारतवासी उनकी नकल करके पहनने लगे, हमारे देश में तो बर्फ कभी पड़ती नहीं है, बिहार में तो मैंने कभी नहीं सुना कि बर्फ पड़ती है, थोड़ी बहुत बर्फ पड़ती है तो उत्तराखंड में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, वो भी साल में 15 दिन पड़ती है, 6-7 महीने नहीं पड़ती। हमारे यहाँ तो हर दिन सूरज निकलता है और खूब तेज निकलता है, खूब धूप होती है और खूब अच्छी धूप होती है, और आधे से ज़्यादा भारत में तो दो ही मौसम है, गर्मी और भयंकर गर्मी। आप तो बिहार के वासी हैं, आपको तो मालूम है 50 डिग्री तापमान हो जाता है बिहार के कई शहरों का। अब ऐसे जहां देश में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता हो, वहां के लोग कोट पहनना शुरू कर दें, टाई लगाना शुरू कर दें, जैकेट पहनना शुरू कर दें, ओवर कोट लादना शुरू कर दें और टाई के ऊपर नेक टाई लगा लें और सारे गले को खूब अच्छे से बंद कर लें, गर्मी अंदर ही अंदर लगे, पसीना अंदर ही अंदर हो और अंदर गर्मी और पसीने से इतने परेशान हो कि सब कुछ खोल देने का मन करता हो, फिर भी उसको ना खोलें तो उनको क्या कहेंगे? अंग्रेजों के अंग्रेजी तो कह सकते हैं। मुझे कई बार ये दृश्य देखने को मिलते हैं इस देश में, बहुत हंसी भी आती है और रोना भी आता है। जून की भयंकर गर्मी में शादी हो रही है, दूल्हे राजा थ्री पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हुए हैं, भयंकर जून की गर्मी में चिलचिलाती धूप में थ्री पीस सूट और टाई लगा के दूल्हे राजा हैं, अंदर पसीना 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 हो रहा है और दूल्हे राजा कह रहे हवा कर भाई हवा कर, अरे भाई ये कोट उतार के फेंक दे, नहीं फेंकूंगा क्योंकि आज ही पहनना है, क्योंकि आज ही मुझे सुपर इडियट दिखना है और सुपर इडियट बनना है। तो हमारे देश में ये जो भूषा की गुलामी है,
ये हमें व्यक्तिगत स्तर पे बदलनी है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से कि अंग्रेजों की पोशाक को जितनी जल्दी छोड़ सकें छोड़ दें। तो आप बोलेंगे जी भारतीय पोशाक क्या है, कुर्ता पहनो, पायजामा पहनो, धोती पहनो, साड़ी पहनो, ये सब भारतीय पोशाकें हैं। बहनें तो अभी भी काफ़ी भारतीय हैं क्योंकि वो तो साड़ी पहनती हैं या सलवार सूट। भाइयों में बहुत गड़बड़ी आई है, अपनी पत्नियों को तो साड़ी पहनाएंगे और खुद थ्री पीस सूट और टाई लगा के जाएंगे उनके साथ। पत्नी भारतीय है, पति विदेशी है। कहते हैं पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया ट्रैक्टर का, दूसरा साइकिल का, कैसे चलेगी ये गाड़ी। तो हाथ जोड़कर भाइयों से विनती करता हूं कि अगर आपकी धर्म पत्नियों को आप साड़ी पहना रहे हैं तो आप ईमानदारी से धोती कुर्ता पहनिए, नहीं तो लुंगी कुर्ता पहनिए, नहीं तो भारतीय पोशाक पहनिए, कुर्ता पजामा पहनिए। ये नहीं चलेगा कि हमारी धर्म पत्नी भारतीय है और हम विदेशी हो जाए। तो भूषा की गुलामी छोड़िए, भाषा की गुलामी छोड़िए, फिर भोजन की गुलामी भी छोड़िए। भोजन में हमारी बहुत गुलामी आ गई है। अंग्रेज डबल रोटी खाते थे, पाव रोटी खाते थे, ब्रेड खाते थे, हमने भी खाना शुरू कर दिया। हमारे घरों में अब पाव रोटी आती है, डबल रोटी आती है, ब्रेड आती है। जिस घर में ताज़ा रोटी बनाने की हजारों लाखों साल की परंपरा हो, उस देश में तीन तीन महीने पुरानी डबल रोटी और पाव रोटी आती है, वो भी सड़े मैदे की बनी हुई, जिसको बनता हुआ आप देख लेंगे तो कभी छूना पसंद नहीं करेंगे उसको। तो घर में से ये हटाइए, पाव रोटी, डबल रोटी। ये अंग्रेजों की मजबूरी है कि उनको गेहूं के आटे से रोटी बनाना नहीं आया आज तक। उन्होंने दुनिया में बहुत आविष्कार किए होंगे, रोटी बनाना नहीं सीख पाए वो अभी तक, शायद सीख भी नहीं पाएंगे अगले 100 साल में। गेहूं उनके यहाँ होता है, गेहूं हमारे यहाँ भी होता है, उसी गेहूं से हम आटा बनाते हैं, उस गेहूं से वो भी आटा बनाते हैं, उस आटे से हम रोटी बना लेते हैं, उस आटे को सड़ा के वो पाव रोटी और डबल रोटी बना लेते हैं। हम उसी आटे से रोटी की कितनी तरह की रोटियां बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हैं, बीसियों किस्म के पराठे, बीसियों किस्म की पूड़ी कचौड़ी। इतनी विविधता हमारे व्यंजन में जब है तो सड़ी हुई मैदे की डबल रोटी, पाव रोटी खाना ये कोई शान की बात नहीं है। ये अंग्रेजी भोजन है, तामसिक भोजन है, इसको जल्दी से जल्दी छोड़िए और अपने घर से इसको विदा करिए। इस अंग्रेजियत में से बाहर आइए। भोजन की गुलामी, ये पिज्जा है, बर्गर है, हॉट डॉग है, कोल्ड डॉग है, चाउमीन है, ये सब हटाइए क्योंकि ये विदेशी भोजन हमारे लिए अनुकूल नहीं है। जिस देश में ये विकसित हुआ है उस देश के लिए थोड़ा अनुकूल हो सकता है, हमारे लिए तो बहुत प्रतिकूल है। तो भोजन की गुलामी ठीक करिए, भाषा की ठीक करिए, भेषज की ठीक करिए, भूषा की ठीक करिए, और अंत में अगर कर सकते हैं व्यक्तिगत जीवन में तो ये भजन संगीत में भी काफ़ी कुछ गुलामी आ गई है। हमारा संगीत शास्त्रीय संगीत है, राग रागनियों पर आधारित है, और शास्त्रीय संगीत का विकास लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है, वेदों में से निकला है हमारा संगीत। वेद जितने पुराने हैं संगीत उतना ही पुराना है इस देश में। हमारे देश में वेदों से निकले हुए संगीत में जो गहराई है दुनिया के किसी देश के संगीत में उतनी गहराई नहीं है। तो दूसरे देशों के संगीत में हम जाकर फंस गए, रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, माइकल जैक्सन का म्यूजिक, बीथोवन का म्यूजिक, मोजार्ट का म्यूजिक, ये सारे के सारे म्यूजिक जो उनके समझ में शायद आते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, हमारे समझ में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। माइकल जैक्सन क्या गाता रहा इतने साल, मेरे समझ में उसकी एक लाइन अभी तक नहीं आई। क्या नाचता रहा इतने साल, आज तक समझ में नहीं आया कि वो नाच रहा था या सर्कस की कलाबाजियां दिखा रहा था। एक टांग इधर फेंकना, दूसरी टांग उधर फेंकना, भोंड़े तरीके से कमर को मटकाना, शरीर के अंगों को बिल्कुल भोंड़े तरीके से प्रस्तुत करना, ये कौन सा डांस है, कौन सा नृत्य है। हमारे पास कोई कमी नहीं है, कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथकली है, बीसियों किस्म के शास्त्रीय नृत्य हैं, बीसियों किस्म के हमारे शास्त्रीय गान हैं, और सैकड़ों हजारों किस्म के हमारे वाद्य हैं। कितने अच्छे सुरीले वाद्य हैं, बांसुरी हमारे पास है, सितार हमारे पास है, सरोद हमारे पास है, तबला हमारे पास है, हारमोनियम हमारे पास है, और विदेशियों के पास एक ही है, वो ब्रास बैंड जो बजता है बाजारों में और बरातों के आगे। आपने देखा है वो लंबा सा भोंगा सा वो गोल गोल रहता है ना, जिसको बजाने में पूरे फेफड़े निकल आते हैं उसके, वो ये ब्रास बैंड अंग्रेजों का है, ये अपना नहीं है।
और जो बजे तो कान फोड़े और दूसरों का दिमाग खराब करे, बजाने वाले का तो उससे ज्यादा दिमाग खराब हो। मेरी एक बहुत विनती है आपसे, ये मेरे हृदय की बात है कि भारत स्वाभिमान के किसी भी कार्यकर्ता भाई बहन के घर में बेटे बेटी की शादी हो या आपकी अपनी खुद की शादी हो, तो कृपया करके ये ब्रास बैंड तो बिल्कुल मत ले जाना, क्योंकि ये अंग्रेजों की परंपरा है ब्रास बैंड की। अंग्रेजों की फौज जब दुश्मन पे हमला करने जाती थी तो आगे आगे ये ब्रास बैंड बजाते हुए चलता था। हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे हैं, हम किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए बड़े पवित्र और आध्यात्मिक काम के लिए जा रहे हैं, और उसमें ये ब्रास बैंड आप बजाएं तो लगता यही है कि आप भी अंग्रेजों की तरह से हमला करने जा रहे हैं उस पे। तो आपसे इसके लिए माफी चाहता हूं। आपकी अगर शादी नहीं हुई है, होने वाली है, तो ब्रास बैंड तो बिल्कुल मत बजवाना। आप बोलेंगे फिर क्या बजवाएं, आपको अगर बजवानी है तो शहनाई बजवाना। शहनाई भारतीय वाद्य है और जब बजता है तो कानों में ऐसा रस घोलता है कि दिल करता है सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। बांसुरी बजवाना, शहनाई बजवाना, सितार बजवाना, सरोद बजवाना, और कुछ बजवा लेना, ये ब्रास बैंड तो बिल्कुल नहीं। और अगर कुछ ना मिले तो बिना कुछ बजाए ही ले आना। तो व्यक्तिगत जीवन से ये अंग्रेजों की गुलामियों को हम जरा छोड़ें। अब एक बहुत गंभीर विषय कि हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने की एक गुलामी और चली आ रही है, और वो गुलामी है कि जो जो अंग्रेज अधिकारियों ने देश को लूटा, बर्बाद किया, जिन जिन ने अत्याचार इस देश पर सबसे ज्यादा किए, उन अंग्रेजों के नाम पर इस देश में नगर बसे हुए हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर मोहल्ले बसे हुए हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर सड़कें बनी हुई हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर अस्पताल बने हुए हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर भवन हैं, इमारतें हैं। बहुत शर्म आती है मुझे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं नाम लेकर। हम यहां इस समय उत्तराखंड में हैं। इस उत्तराखंड में इस हरिद्वार से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक छोटा सा नगर है, उसका नाम है लैंसडाउन। ये लैंसडाउन नगर पौड़ी जिले में आता है। पौड़ी एक जिला है उत्तराखंड का, उसमें लैंसडाउन नाम का एक बहुत छोटा सा नगर है। लैंसडाउन नाम का एक अंग्रेज हुआ इस देश में, और 1894 की बात है, वो इस देश का गवर्नर जनरल होता था। बाद में उसको वॉयसराय की भी पदवी दी गई। ये 1894 में जो लैंसडाउन नाम का अंग्रेज गवर्नर जनरल था, क्या किया है इसने वो आप जान लो तो शर्म आएगी आपको कि ये लैंसडाउन नाम हमारे देश में अभी भी चल रहा है। हुआ ये था कि भारत देश में गो हत्या निषेध के लिए एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ था सन 1870 में, और इस आंदोलन का इतिहास अंग्रेजों ने दबा के रखा अभी तक। अभी तक अंग्रेजों ने इस आंदोलन का इतिहास दबा के रखा, और हमारे इतिहासकारों ने भी इस बात पर ज्यादा शोध नहीं किया। सन 1870 से लेकर 1894 तक, माने 24 साल इस देश में गो हत्या निषेध का जबरदस्त आंदोलन था। और अंग्रेजों की खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के खुफिया अधिकारी का यह कहना था कि 1857 का आंदोलन जितना बड़ा था उससे कई गुना बड़ा यह गो हत्या निषेध का आंदोलन था जो 1870 में शुरू हुआ और 1894 तक चला। बहुत गर्व से, बहुत गौरव से मुझे ये कहना है कि इस आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज के लोगों ने की थी, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने की थी। आप जानते हैं परम पूजनीय महर्षि दयानंद की शिक्षाओं से प्रेरित और प्रभावित होकर बहुत सारे युवक आजादी के आंदोलन में कूदे थे। परम पूजनीय महर्षि दयानंद से ही प्रभावित होकर बहुत सारे युवक गोरक्षा आंदोलन में और गो हत्या निषेध के आंदोलन में 1870 में कूदे थे। आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में हुई, लेकिन आर्य समाज की नींव परम पूजनीय स्वामी दयानंद के कार्यों से पहले ही पड़ चुकी थी। तो 1870 में यह आंदोलन शुरू हुआ। आज जिस स्थान पर हरियाणा है, पहले यह पंजाब हुआ करता था, हरियाणा आजादी के बाद बना है, इस इलाके से यह आंदोलन शुरू हुआ। और अंग्रेजों की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि सबसे पहले यह आंदोलन जींद से शुरू हुआ था।
जींद एक बड़ी रियासत हुआ करती थी उस जमाने में, वहां से गोरक्षा आंदोलन 1870 में शुरू हुआ। गोरक्षा सभा बनाई गई थी जींद में, उसमें कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि गाय को कटने नहीं देंगे और जो अंग्रेज गाय काटेगा उस अंग्रेज को हम काटेंगे। ऐसे करके आंदोलन फैला। जींद एक छोटे से स्थान से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गया। 1894 तक आते आते 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता इस गोरक्षा आंदोलन में शामिल हो गए। 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे देश में, और इन कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कत्लखाने बंद कराना शुरू कर दिया। और ये कत्लखाने बंद कराने का काम कैसे किया करते थे, अंग्रेजों के कत्लखाने जो चला करते थे उनके सामने जाकर ये लेट जाते थे, और जो गाड़ियां पशुओं को भर के ले जाती थी उनके सामने ये कार्यकर्ता लेट जाते थे और कहते थे हमारे ऊपर से लेके जाओ तब ये पशुओं का कत्ल होगा, हम पहले मरेंगे बाद में ये पशु कटेंगे। इतना जबरदस्त आंदोलन था। परिणाम ये होने लगा कि जगह जगह अंग्रेजों को कत्ल करने के लिए जानवर मिलना बंद हो गए। इन 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव के किसानों को समझाना शुरू किया कि अंग्रेज तो गाय काटते हैं, हम तो गाय पालते हैं, हम गाय बेचेंगे नहीं अंग्रेजों को, गाय देंगे नहीं अंग्रेजों को, तो अंग्रेज काटेंगे कैसे। इस तरह से ये आंदोलन बढ़ा। अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। जब जगह जगह कत्लखानों को गाय मिलना बंद हो गई तो गाय का मांस खाना अंग्रेजों को तो बहुत आवश्यक था, बिना गाय का मांस खाए वो एक दिन भी रह नहीं सकते थे। तो अंग्रेजी सेना में विद्रोह की स्थिति आ गई और अंग्रेजी सैनिकों ने कहा कि गाय का मांस नहीं मिलेगा तो हम बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे। अब अंग्रेजी सरकार के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। ये गोरक्षा आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता गाय मिलने नहीं दे रहे थे कटने को, और अंग्रेजी सैनिक गाय का मांस ना मिले तो बगावत करने को तैयार। तो अंग्रेजों की महारानी ने एक हस्तक्षेप किया, विक्टोरिया ने। विक्टोरिया ने लैंसडाउन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखा। लैंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल था। 1894 के आसपास वो पत्र इसके पास आया और उस विक्टोरिया ने उस पत्र में लिखा कि ये जो गाय भारत में कटती है ये तो हमारे लिए ही कटती है, ये बात तो सही है, क्योंकि भारतवासी तो गाय का मांस खाना पसंद करते नहीं है। आप इस बात पर ध्यान देना, विक्टोरिया खुद लिख रही है इस बात को। वो कह रही है कि गाय भारत में कटती है वो तो हमारे लिए कटती है, भारतवासी गाय खाना पसंद नहीं करते हैं। और वो कहती है कि भारत के मुसलमान भी गाय खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज सब हिंदू थे और हिंदुओं ने गाय के मांस को खाना कभी स्वीकार किया नहीं, इसलिए भारत के मुसलमान भी गाय खाना पसंद नहीं करते। उस पत्र में एक एनेक्सर लगा हुआ है जिसमें एक वाक्य है, विक्टोरिया लैंसडाउन को लिख रही है कि मुझे जानकारी मिली है कि कभी किसी मुस्लिम भाई के घर में गलती से गाय का मांस आ गया और जिस बर्तन में वो रख गया और उस मुस्लिम भाई को पता चल गया कि ये गाय का मांस था, तो वो मुस्लिम परिवार उस बर्तन को हमेशा के लिए घर के बाहर फेंक देता है, वो मानते हैं कि ये गलती हुई है, ये भूल हुई है। तो विक्टोरिया लिख रही है पत्र में कि ना तो भारत के मुसलमान गाय का मांस खा रहे हैं ना हिंदू खा सकते हैं, गाय कट रही है तो अंग्रेजों के लिए कट रही है। अब गोरक्षा आंदोलन जो चल पड़ा है पूरे भारत में, हमको गाय मिलना बंद हो गई है, हमारे कत्ल खाने बंद हो रहे हैं, तो इसका अब एक ही उपाय है। लैंसडाउन को वो कह रही है चिट्ठी में, इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? लैंसडाउन को वो कह रही है तुम ऐसा करो कि भारत के जो कत्लखाने अंग्रेजों के लिए चल रहे हैं और मांस अंग्रेजों के लिए पैदा हो रहा है, इन कत्लखानों में गाय का कत्ल करने के लिए मुसलमानों की भर्ती करो। इस पे ध्यान दीजिएगा वाक्य पे, वो कहती है मुसलमानों की भर्ती करो, इसका माने गाय काटने का काम मुसलमान नहीं उन कत्लखानों में अंग्रेज ही करते रहे होंगे, तो अंग्रेजों को हटाकर मुसलमानों की भर्ती करो और हिंदुओं को यह बताओ भारत में कि तुम्हारी गाय मुसलमान काट रहे हैं। तो ये हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गोरक्षा के आंदोलन में लड़ रहे हैं ये आपस में लड़ने लगेंगे और हमारा रास्ता खुल जाएगा और हमारी नीति डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, सफल हो जाएगी और हमारी सेना में भी बगावत नहीं होगी और हमारे सेना के लोगों को मांस भी मिलता रहेगा, कत्ल खाने भी चलते रहेंगे। ये पत्र लिखा उसने लैंसडाउन को। लैंसडाउन ने पत्र पढ़ा, उसने फिर मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के उसने आदेश दिया कि जितने सरकारी कत्लखाने हैं उनमें मुसलमानों की भर्ती की जाए। तो मुसलमानों में से कोई तैयार ही नहीं हुआ भर्ती के लिए, कोई आया ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि ढूंढो कोई तो मुसलमानों में जाति समूह होगा जिसको हम इस काम में लगा सकें। तो कुरैशी जाति समूह के मुसलमानों को
प्रताड़ित करके, अत्याचार करके, मार पीट के अंग्रेजों ने गाय के कत्ल के काम में लगाया, और उनको इतना प्रताड़ित करते थे कि गाय काटो गाय काटो। फिर होता क्या था कि ये गाय काटते थे कुरैशी समाज के लोग अंग्रेजों के दबाव में आकर, फिर अंग्रेज इसको पूरे देश में प्रचारित करते थे हिंदुओं के बीच में कि देखो तुम्हारी गाय तो मुसलमान काट रहे हैं। तो 1870 से 1894 तक जो आंदोलन चला गोरक्षा का, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर गाय को बचाने के लिए लड़ रहे थे, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जींद की जो गोरक्षा समिति 1870 में बनी उसमें 11 हिंदू थे और 7 मुसलमान थे, 18 लोगों की समिति थी। हर जगह गोरक्षा की समिति में हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर काम कर रहे थे। विक्टोरिया ने लैंसडाउन को आदेश देकर मुसलमानों से जबरदस्ती गाय कटवाकर कुरैशी समाज के लोगों को दबाव डालकर एक घृणित काम शुरू किया, और सारे देश में यह लहर फैल गई। हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गाय को बचा रहे थे, विक्टोरिया की इस पत्र के बाद की जो नीति बनी उसमें हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। मुसलमानों के बीच में प्रचार किया गया कि कुरैशी को बहिष्कार करो क्योंकि ये गाय काट रहे हैं, हिंदुओं में प्रचार किया कि कुरैशियों को मारो पीटो क्योंकि तुम्हारी गाय काट रहे हैं, और अंग्रेज पूरे सुरक्षित हो गए। 1894 से ये नीति बनी और 1897 में इस नीति ने पूरे देश में एक विस्फोट कर दिया, और पहली बार मुझे ये दुख है कहते हुए कि हिंदू मुसलमान का पहला दंगा 1897 में अंग्रेजों ने कराया, वो इस नीति के तहत कराया ताकि ये हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएं और इस देश की गाय कटती रहे और अंग्रेजों का शासन सुरक्षित रहे। लैंसडाउन वो खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था जिसने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बरगलाया। ये लैंसडाउन ने कुछ टीम बना रखी थी, आपको सुन के लगेगा कि कितना घृणित आदमी था वो। उसकी टीम के लोग जाते थे और किसी मस्जिद के सामने रात को 2:30 बजे सुअर काट के डाल के चले आते थे, लैंसडाउन की टीम के लोग, और सवेरे हल्ला मचता था, देखो हिंदुओं ने सुअर काट के मस्जिद में डाल दिया। फिर लैंसडाउन के लोग जाते थे और किसी मंदिर के सामने गाय को काट के छोड़ के चले आते थे, और लैंसडाउन के कर्मचारी प्रचार करते थे, देखो मुसलमानों ने गाय को काट दिया। इस तरीके से दंगा भड़काया, और 1897 में जो दंगा भड़का इस देश में, वो दंगा भड़कते भड़कते 1905 तक इतना खतरनाक हो गया कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के आधार पर देश का विभाजन करने का तय कर लिया और बंगाल राज्य को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। जिस अंग्रेज अधिकारी लैंसडाउन ने यह विष का बीज बोया हिंदू और मुसलमानों में, उस लैंसडाउन के नाम से इस उत्तराखंड में एक पूरा शहर बसा हुआ है, एक नगर बसा हुआ है, उसका नाम लैंसडाउन है। आत्मा को दुख होता है, कष्ट होता है, क्रोध आता है कि लैंसडाउन ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, गाय का मांस अंग्रेजों को खाने को मिलता रहे इसके लिए गाय का कत्ल करने के लिए कत्ल खाने चालू करवा के रखे, उस लैंसडाउन का नाम हम क्यों लें और उसके नाम पर कोई शहर का नाम क्यों बने। मैं अपील करना चाहता हूं लैंसडाउन की नगर पालिका से, लैंसडाउन की नगर परिषद से, मैं अपील करना चाहता हूं उत्तराखंड के सरकार के मुख्यमंत्री से, उत्तराखंड की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो ये लैंसडाउन नाम के कलंक को, इस पाप को उत्तराखंड से जितनी जल्दी मिटा दिया जाए उतना अच्छा है। ये उत्तराखंड देव भूमि है, ये उत्तराखंड ऋषियों की भूमि है, ये उत्तराखंड मुनियों की भूमि है। यहाँ बड़े बड़े मुनियों ने तपस्या की है, बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की है, पवित्र भूमि है, अध्यात्म की भूमि, धर्म की भूमि, और इस धर्म पवित्रता और अध्यात्म की भूमि पर एक नराधम और पिसाच नाम का व्यक्ति लैंसडाउन, उसके नाम पर नगर बसे, और सरकार को बार बार वो नाम अपने रिकॉर्ड्स में लिखना पड़े, मेरे जैसे व्यक्ति को लैंसडाउन जाना पड़े तो मेरे नाम को उच्चारण बार बार करना पड़े, लैंसडाउन लैंसडाउन लैंसडाउन। अपमान की बात है, शर्म की बात है, ये गुलामी घोर है, इस गुलामी को भी खत्म करना, इस लैंसडाउन का नाम जल्दी से जल्दी बदला जाए, किसी महर्षि के नाम पर, किसी ऋषि के नाम पर इसका नामकरण किया जाए, और नहीं हो सके तो भारत के किसी क्रांतिवीर के नाम पर इसका नाम रख दिया जाए, और भले वो क्रांतिवीर उत्तराखंड के हों, हो सकता है वो भारत के किसी भी इलाके के हों, उत्तराखंड के भी हो सकते हैं। इसी तरह मुझे और एक बात कहनी है, एक बहुत खराब अंग्रेज जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, डलहौजी, जिसने इस देश के किसानों की जमीनें हड़पी, 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जिसने
पूरी तरह से भूमिहीन बनाया, इस देश की रियासतें हड़पी। आपको मालूम है डलहौजी वो सबसे खतरनाक लुटेरा था जो भारत के कोहिनूर हीरे को लूटकर लंदन ले गया। यही डलहौजी है जिसने कोहिनूर हीरा लूटा है इस देश का। आपको मालूम है कोहिनूर हीरा भारत की संपत्ति है, दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा है वो। दुनिया में इतना कीमत का कोई हीरा शायद ही होगा। और वो कोहिनूर हीरा पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की रियासत में था। महाराजा रणजीत सिंह इस देश के परम प्रतापी राजाओं में से एक थे जिन्होंने भारत की सीमाओं को अफगानिस्तान तक सुरक्षित करके रखा था। उत्तर भारत में आगरा से लेकर और अफगानिस्तान तक पूरा राज्य महाराजा रणजीत सिंह का राज्य हुआ करता था। इतनी सुरक्षा, इतना सम्मान आम आदमी के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने उपलब्ध कराया था। आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूं, हमारे देश में नहरों से सिंचाई की जा सकती है और नदियों को काटकर नहरें बनाई जा सकती हैं और उन नहरों से गांव के खेतों को सींचा जा सकता है। ये पूरी परिकल्पना और पूरी परियोजना महाराजा रणजीत सिंह ने शुरू कराई थी सबसे पहले इस देश में। महाराजा रणजीत सिंह की ये सूचना, इसके आधार पर पूरे देश में नहरें बनी हैं और उसके बाद खेतों की सिंचाई हुई है। ऐसे परम प्रतापी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य को अंग्रेजों ने हड़प लिया। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, पूरा राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया। उनके बेटे दिलीप सिंह को बंदी बनाकर अंग्रेज लंदन में ले गए, बाद में उनको ईसाई बना दिया और एक ईसाई लड़की से जबरदस्ती उनकी शादी करा दी। दिलीप सिंह को कभी भारत में वापस नहीं आने दिया। महाराजा रणजीत सिंह की धर्मपत्नी थी श्रीमती जिंदा कौर, उनको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर बनारस में फिकवा दिया और दर दर की ठोकरें खाकर उनका आखिरी जीवन बीता। एक साम्राज्य की महारानी रही जिंदा कौर को जीवन के आखिरी दिन में एक एक रोटी मांगकर खानी पड़ी, बनारस की गलियों में भीख मांगनी पड़ी। यह अंग्रेजों ने किया। और जिस अत्याचारी अंग्रेज ने यह काम किया उसका नाम डलहौजी। एक तरफ किसानों को बर्बाद किया, दूसरी तरफ कोहिनूर हीरा लूटा। उस डलहौजी के नाम पर इस भारत में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पूरा एक शहर बसा हुआ है और उसका नाम ही डलहौजी है। बहुत शर्म आती है, बहुत अफसोस होता है कि आज़ादी के 63 साल के बाद भी डलहौजी नाम का शहर इस देश में जिंदा है और हमारे मुंह से हमें वो नाम उच्चारण करना पड़ता है। जिस डलहौजी का नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे, सपने में भी उसको पसंद नहीं करेंगे, उसको प्रत्यक्ष में नाम लेके बुलाना पड़ता है। चंबा जिला है हिमाचल प्रदेश का और एक शहर है डलहौजी। मैं चंबा जिले के सभी अधिकारियों से अपील करता हूं और फिर से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपील करना चाहता हूं, चंबा की नगर पालिका को अपील करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस डलहौजी नगर के नाम को बदल दिया जाए। उस पापी और उस अत्याचारी अंग्रेज का नाम हम कभी लेना पसंद नहीं करेंगे जिसने हमारे कोहिनूर हीरे को लूटा हो, जिसने 10 करोड़ किसानों को बेघर बनाया हो और जिसने हमारे देश के एक अच्छे खासे फलते फूलते साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया हो। तो हमें डलहौजी का भी नाम बदलना है। इसी तरह से एक और नगर है, उसका नाम है मैकलॉडगंज। मैकलॉडगंज धर्मशाला जिले में है, वो भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मैकलॉड नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, सार्जेंट था, सेना में था, बहुत अत्याचार उसने किए हैं, उसके नाम पर नगर बसा हुआ है मैकलॉडगंज, इसका भी नाम हमें बदलना है। इसी तरह और एक नगर हमारे देश में है, उसका नाम है वास्को डिगामा, वो गोवा में है। ये वास्को डिगामा सबसे पहला पुर्तगाली था जो भारत में घुसा। 20 मई 1498 को भारत में आया, कालीकट में उतरा और झामोरीन राजा की हत्या करके पूरे नगर को लूटा और जहाज भर भर के सोने चांदी के सिक्के लेकर गया। और इसी वास्को डिगामा ने पुर्तगाली राज्य की नींव डाली और 450 साल गोवा और केरल को गुलाम बना के रखा। इस वास्को डिगामा का भी नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे, इसलिए गोवा की सरकार को मैं अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी, जितना शीघ्र हो सके, वो विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करें और वास्को डिगामा नगर का नाम बदला जाए। भारत के किसी ऋषि महर्षि के नाम पर वो नाम रखा जाए या किसी क्रांतिवीर के नाम पर उस नाम को रखा जाए। इसी तरह और दो चार बातें कहनी है। हमारे देश में बड़े बड़े कुछ शहर हैं, शिमला है, मसूरी है, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, सिकंदराबाद है, ऐसे 20 शहर हैं जहां पर आप जाएंगे तो अक्सर आपको कुछ नाम मिलेंगे, जैसे लॉरेंस रोड, मेयो रोड, एल्गिन रोड, एल्फिंस्टन रोड,
या तो लिटन रोड, या तो करजन रोड, या तो करजन बिल्डिंग, या तो रिपन बिल्डिंग, ये अंग्रेजों के नाम सुन सुन के कान पक गए। हमारे बहुत सारे शहरों में, मुख्य रूप से दिल्ली में, बहुत सारी सड़कें बनी हुई हैं अंग्रेजों के नाम पर। लॉरेंस रोड है, मिंटो रोड है, मिंटो ब्रिज है, एल्गिन ब्रिज है, एल्गिन रोड है, केनिंग रोड है, करजन रोड है, रिपन रोड है, दिल्ली भरी पड़ी है अंग्रेजों के नाम की सड़कें वहां पर हैं। तो जिन जिन अंग्रेजों ने अत्याचार किए हैं, करजन तो बहुत बड़ा अत्याचारी अंग्रेज था, उसके नाम पर दिल्ली में सड़कें हैं। करजन ने ही बंगाल को बांटा था हिंदू और मुसलमान के आधार पर, आधा मुसलमान का आधा हिंदू का, और उसी दिन से भारत पाकिस्तान की नींव डाल दी उस आदमी ने। मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाया जिस करजन ने, देश का बंटवारा किया संप्रदाय के आधार पर, बंगाल का बंटवारा किया, उस करजन के नाम पर सड़कें हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? दिल्ली को जिस लॉरेंस ने लूटा हो, उस लॉरेंस के नाम पर दिल्ली में रोड हो, वो कैसे बर्दाश्त हो सकता है? रिपन जिसने पूरे देश में अखबारों को दबाने के लिए कानून बनाया, इंडियन प्रेस एक्ट, भारत में जो अखबार छपा करते थे वो अंग्रेजी सरकार की थोड़ी भी बुराई ना करें इसके लिए कानून बना दिया, इंडियन प्रेस एक्ट, वो रिपन ने किया, उस रिपन के नाम को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो मुझे आप सभी से निवेदन करना है कि जहां जहां अंग्रेजों की नाम की सड़कें हैं, अंग्रेजों के नाम के भवन हैं, अंग्रेजों के नाम के अस्पताल हैं, उन सभी के नाम हमें बदलने हैं। और हमारे पास नामों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास देश में कोई भी ऐसे अच्छे नामों की कमी नहीं है। हम संस्कृत में ढूंढेंगे एक तो हजार नाम मिलेंगे, हिंदी में ढूंढेंगे तो हजारों नाम मिलेंगे। क्रांतिकारियों के नाम पर रखना चाहें, ऋषि महर्षि के नाम पर रखना चाहें, ये सब हमें करना पड़ेगा। पूरी आजादी लानी है, पूरी स्वतंत्रता लानी है, पूरी स्वाधीनता लानी है, तो अंग्रेजों के नाम को जड़मूल से इस देश में से हटाना पड़ेगा। एक और निवेदन मुझे करना है, अंग्रेजों की हमारे देश में कई जगह मूर्तियां स्थापित हैं, मुझे बहुत क्रोध आता है और खून खौलता है मेरा। आप कभी मुंबई जाइए, मुंबई रेलवे स्टेशन है एक, उसका नाम है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पहले इसका नाम था मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस, बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस, वो नाम बदल के अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तो हो गया, लेकिन उस स्टेशन के बाहर निकलो तो लाइन की लाइन अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां हैं जिन्होंने मुंबई पे सबसे ज्यादा अत्याचार किए। एक अंग्रेज था जिसका नाम था एल्फिंस्टन, मुंबई की माताओं बहन बेटियों में सबसे ज्यादा बलात्कार किए हैं और करवाए हैं एल्फिंस्टन ने, लूटा है पूरी बंबई को, लूट लूट के सारा धन लंदन ले गया, उस एल्फिंस्टन की मूर्ति लगी हुई है। एल्फिंस्टन के जो सहयोगी अधिकारी जिन्होंने मुंबई पर बलात्कार अत्याचार किए और लूट मार की, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। इन मूर्तियों को भी आज नहीं तो कल हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि देश को हम कचरा घर नहीं बनाना चाहते और हम ये गुलामी का केंद्र नहीं रहने देना चाहते। मुंबई में चर्चगेट स्टेशन पर भी ऐसी मूर्ति लगी है, उनको भी हटाना पड़ेगा। मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्टेशन है, इसका नाम बदलना पड़ेगा, किसी क्रांतिवीर के नाम पर उसका नाम हमें रखना पड़ेगा। मुंबई महाराष्ट्र में क्रांतिवीरों की कोई कमी नहीं है जिनके नामों पर हम रेलवे स्टेशन का नाम न रख सकें। मुंबई और आसपास के इलाके में एल्फिंस्टन के नाम से कॉलेज चलते हैं, मेयो के नाम से कॉलेज चलते हैं, तो एल्फिंस्टन कॉलेज का नाम बदलना है, मेयो कॉलेज का नाम बदलना है। राजस्थान में अजमेर नाम का एक शहर है, वहां पर मेयो नाम का कॉलेज आज तक चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ था। अंग्रेजों की नीति यह थी कि भारत के राजा महाराजाओं के जो लड़के लड़कियां हैं इनको अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में इतना पारंगत कर दें कि वो शरीर से भारतीय रहें, नाम मात्र के, आत्मा से अंग्रेज हो जाएं। उसके लिए जो कॉलेज उन्होंने शुरू किया वो मेयो कॉलेज अभी तक चल रहा है, हमें उसका भी नाम बदलना पड़ेगा। कॉलेज का पाठ्यक्रम तो बदलना ही है, नाम भी बदलना है। तो सारे देश में जगह जगह जहां भी अंग्रेजों के नाम पर आपको कोई दिखाई दे तो उसकी एक सूची बनाइए। पटना में देखिए, पटना में ऐसी कौन कौन से स्थान हैं जो अंग्रेजों के नाम पर हैं, कौन से चौराहे हैं, कौन सी गलियां हैं जो अंग्रेजों के नाम पर हैं, पूरे बिहार में और कहां कहां हैं उसकी सूची बनाइए। बिहार सरकार को हम निवेदन करेंगे और जल्दी से प्रस्ताव पारित कराकर बिहार की असेंबली में भी कोशिश करेंगे कि ये नाम बदले जाएं। पूरे देश के सभी राज्यों में हमें ये प्रयास करना है। तो भारत स्वाभिमान के अभियान में ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे काम हमको करने हैं, उद्देश्य अपना एक ही है और बिल्कुल स्पष्ट है कि अंग्रेजों की गुलामी को, जो हमारे घुसी हुई है व्यवस्था में, नीतियों में, शासन में,
हमारे अपने आचार व्यवहार में, दैनिक जीवन में इसको जड़ मूल से हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से भी अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भूषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन के एक एक स्तर से अंग्रेजियत को हटाना है। इन सब हटाने के अभियानों में हम सब सेनानी बनेंगे और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी का एक एक निर्देश और एक एक आदेश का अपने जीवन के अंतिम दिन तक पालन करेंगे, क्योंकि संगठन जो होता है पूर्ण अनुशासन से चले तभी सफलता हासिल करता है। संगठन में थोड़ा भी अनुशासन बिगड़ जाए तो सफलता 100 साल दूर चली जाती है। एक बात कहकर मैं व्याख्यान खत्म करूंगा। 1857 की आजादी में पूरे संगठन ने तय किया था 31 मई को सारे देश में एक साथ आजादी की लड़ाई शुरू होगी, लेकिन कुछ अति उत्साही क्रांतिवीर नौजवानों ने 31 मई की तारीख को भुला दिया, 10 मई को ही सारा आजादी का लड़ाई का काम शुरू कर दिया। संगठन का निर्देश उस समय चूक गए मानने से परिणाम यह हुआ कि हम आजादी हासिल करने में 100 साल पीछे चले गए। अंग्रेज इतिहासकार इस बात को लिखते हैं कि अगर भारत के क्रांतिकारियों ने जल्दबाजी नहीं की होती, अति उत्साह नहीं दिखाया होता, 31 मई को जो तारीख तय हुई थी उसी तारीख को पूरे देश में क्रांति हुई होती, तो अंग्रेजों की कभी हिम्मत नहीं होती दोबारा भारत में आकर राज करने की, और अंग्रेजों की सारी पीठ और कमर टूट गई होती उसी समय। लेकिन कुछ क्रांतिवीरों ने अति उत्साह में आकर समय से पहले काम कर दिया। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, ऐसी दूसरी गलती हमें नहीं करनी है। जो आदेश हमें मिलेगा, जो निर्देश हमें मिलेगा, उसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी बदल हमें नहीं करना है। हमें हमारे आदेश और निर्देश पर जब सारा संगठन पूरे देश में किसी एक तारीख को, किसी एक दिन को आह्वान देगा, उसी दिन का हमें इंतजार करना है। तब तक तैयारी करनी है। जैसे युद्ध होता है तो सेना तैयारी करती है, और तैयारी में कई कई महीने लगते हैं, कई बार साल लग जाते हैं। तो यह भारत स्वाभिमान का सैनिकों का ही एक संगठन है जो आजादी, संपूर्ण आजादी, सच्ची आजादी लाने के लिए लड़ रहा है। तो हम सब सैनिक अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल एक एक तैयारी को करेंगे, आदेश और निर्देशों को पूरी तरह से पालन करते हुए, अपनी सेनापति की आज्ञा को पूरी तरह से मानते हुए, उसमें अपनी आज्ञा नहीं मिलाएंगे। सेनापति की आज्ञा हमारी आखिरी आज्ञा है और उसी के साथ हमें कदम ताल मिला के चलना है, ध्यान रखना है। 1857 की गलती अब 2009 से 2014 में ना दोहराई जाए, तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि हम संपूर्ण आजादी हासिल करेंगे और सच्ची स्वतंत्रता इस देश के लिए लाएंगे। ऐसा बोलकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हमको शक्ति दे, हमको साहस दे, हम में वीरता आए, हम में तेजस्विता आए, और हम हमारे लक्ष्य की तरफ बिना रुके और बिना एक मिनट हिचके हुए बढ़ते ही जाएं, और लक्ष्य पाकर ही हम हमारे को सांस को थामे या हमारे को आराम और विश्राम की स्थिति में लाएं। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कोई भी देश गुलामी की निशानियों को संजो के नहीं रखता। जब कोई भी मुल्क आजाद होता है तो सबसे पहला काम यही करता है कि वो गुलामी की निशानियों को नेस्तनबूत करता है, और वही काम भारत स्वाभिमान के सारे कार्यकर्ताओं को देश भर में करके दिखाना है। चाहे वो व्यवस्थागत गुलामी हो, नीतिगत गुलामी हो या विचारगत गुलामी हो, हमें आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के इस काम को आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं देश में भ्रष्टाचार ना हो, देश में आर्थिक अशुचिता ना हो, चारित्रिक अशुचिता ना हो, इसकी शुरुआत हम स्वयं से करेंगे। हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि जीवन में हम किसी से भी 1 रुपये की भी बेईमानी कभी नहीं करेंगे, यह हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अपने परिजनों से, स्वजनों से, अपने गांव से, अपने समाज से, अपने गुरु से, अपने संगठन से 1 रुपये की भी बेईमानी नहीं। मेरे जीवन में पूर्ण आर्थिक शुचिता, मेरे जीवन में पूर्ण चारित्रिक शुचिता रहेगी, ये संकल्प हो हमारा। और जैसे भाई राजीव जी ने कहा
कि एक छोटी सी गलती ने, एक छोटे से संगठन के निर्देश को न मानने के कारण से 100 साल की गुलामी देश को झेलनी पड़ी। हम पूर्ण पवित्रता के साथ जिएंगे, स्वदेशी का पूर्ण आग्रह रखेंगे अपने जीवन में और पूर्ण संगठित होकर के ही आगे बढ़ेंगे। अब हमको कोई तोड़ नहीं सकता। पूर्ण संगठन, संगठित प्रयास, पूर्ण संगठन का भाव, संगच्छध्वम संवदध्वम, एक रत्ती भर, तिल भर इधर से उधर नहीं होना। हमको बहुत कुछ करना है, बहुत आशाएं हैं हमसे पूरे देश को, बहुत निगाहें टिकी हैं हम पर, हमारे उद्देश्यों पर, हमारे लक्ष्यों पर, हमारे जीवन पर, हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे इस पूरे आंदोलन पर। और हमें करोड़ों देशवासियों को निराश नहीं करना। हजारों हजारों वर्षों के बाद, सैकड़ों सैकड़ों वर्षों के बाद कहीं देश में आशा और विश्वास उत्पन्न होता है, हमें विश्वासघात नहीं करना है। व्यवस्था परिवर्तन हम सरकारों के स्तर पर करवाएंगे, कानून के स्तर पर कराएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हम स्वयं से करेंगे। हम चाहते हैं कि देश में योग शिक्षा लागू हो पाठ्यक्रम में, तो उसकी शुरुआत हम अपने घर से करेंगे। सरकार जब पढ़ाएगी तब पढ़ाएगी देश के बच्चों को योग। हम स्कूलों में जाकर के बच्चों को योग पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को हम योगी बनाएंगे, हमारा दायित्व है। सरकारों में पाठ्यक्रम के स्तर पर इतिहास की पुस्तकों में कब परिवर्तन होगा, हमारे संस्कारों का कब समावेश होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी भाषा कब बदलेगी, वह आगे का विषय है। इतिहास के नाम पर जो हमें झूठ पढ़ाया जाता है उसको भी हम बदलेंगे। हमारे पूर्वजों के ज्ञान, जीवन और चरित्र के बारे में जो गलत पढ़ाया जाता है उसको भी हम बदलेंगे। सारी गुलामी की निशानियों को हमको मिटाना है। भाषा, भूषा, भोजन, भेषा, जाति के स्तर पर संपूर्ण गुलामी को, पराधीनता को हमें मिटाना है। लेकिन इसकी शुरुआत हम ये करेंगे कि हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कार देंगे, अपने पूर्वजों के संस्कार देंगे, उनके सामने राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर का, उनके सामने अपने महापुरुषों का, अपने क्रांतिवीरों का आदर्श हम रखेंगे। अपने बच्चों को हम संस्कार घर में देंगे और विद्यालयों में जा जा करके, कॉलेजों में, स्कूलों में जा जा करके बच्चों को हम संस्कार देंगे। ये काम हमको तुरंत शुरू कर देना है। व्यवस्था परिवर्तन हमसे शुरू होगी। तो शिक्षा व्यवस्था पर जो हमें व्यवस्था परिवर्तन के इस पूरे आंदोलन में जो काम करना है वो तो होगा। शासन के स्तर पर जो हमें परिवर्तन करना है, व्यवस्थाओं और नीतियों के स्तर पर जो हमें परिवर्तन करना है वो तो होगा ही होगा। उसकी शुरुआत हम स्वयं से करेंगे। चिकित्सा के स्तर पर हमको यह परिवर्तन तो तुरंत शुरू कर देना है। पहली बात तो हमें बीमार ही नहीं होना है। जब हम योग करेंगे तो कैसे होगा हमें कैंसर, कैसे होगा हमें हार्ट की प्रॉब्लम। तो स्वदेशी चिकित्सा का आग्रह हमारे जीवन में होगा। और आप व्रत लें कि मैं पहली बात तो जीवन में बीमार पड़ूंगा ही नहीं, और यदि मुझे कोई बीमारी हो जाती है तो मैं स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था से ही अपना स्वास्थ्य अच्छा करूंगा। स्वदेशी चिकित्सा का आग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए। स्वदेशी वृत्ति यही तो है। कानून के स्तर पर जब परिवर्तन होगा तब भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का इस देश में सत्कार नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका बहिष्कार होना चाहिए और पूरे देश में सार्वजनिक रूप से उनका तिरस्कार होना चाहिए। सभी देश सुधरेगा। अपूजा यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु तिरस्कृह त्रिणे तत्र वर्धन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। इसलिए ये काम तो हमें तुरंत शुरू कर देना है। हम भ्रष्टाचारियों का सार्वजनिक रूप से सम्मान न करें, हम बलात्कारियों का तिरस्कार करें, भ्रष्टाचारियों का तिरस्कार करें सार्वजनिक रूप से। जो मिलावट करने वाले हैं उनको हम बार बार शिकायत करें, बार बार पकड़वाएं सरकार से। अभी कानून बहुत कमजोर है लेकिन फिर भी कुछ सजा दिलवाएं। आंतरिक सुरक्षा भी हमारे बहुत खतरे में है। बेबसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह देते हैं कभी भी आतंकवादी हमला कर सकते हैं। बहुत बेबसी। मतदान का कानून, अनिवार्य मतदान का हम कानून बनवाएंगे देश में, लेकिन उससे पहले हमारा ये फर्ज है कि जब जब मतदान होगा तब हम मतदान करने अवश्य जाएंगे। यह हमारा वैयक्तिक दायित्व है। अर्थव्यवस्था के स्तर पर हमें यदि रुपए का अवमूल्यन रोकना है, रुपए को डॉलर पाउंड के बराबर खड़ा करना है, तो एक संकल्प तो आज से ये करके जाओ, मैं मर सकता हूं, मैं मिट सकता हूं, मैं कट सकता हूं, लेकिन शून्य तकनीकी से बनी विदेशी वस्तु का प्रयोग हरगिज नहीं करूंगा। ये संकल्प होना चाहिए। मैं विदेशों में भी जाकर के विदेशी शैंपू और साबुन प्रयोग में नहीं लाता हूं,
ठीक है वहां जाते हैं तो पानी तो वहां का पीना पड़ता है। यह तो पूर्ण आग्रह, मेरे वस्त्र, मेरी वेशभूषा, मेरे जूते, मेरे चप्पल, मेरा टूथब्रश, मेरा साबुन, मेरा शैंपू, मेरा सब कुछ जो मैं नित्य दिनचर्या में प्रयोग में लाता हूं, दैनिक वस्तुओं के प्रयोग में आने वाले जो अलग अलग उत्पाद हैं, उनका मैं किसी भी विदेशी कंपनी का प्रयोग नहीं करूंगा। ये तो आज से ही संकल्प लेकर के जाएंगे। आप यदि किसान हैं तो मैं विश्व मुक्त कृषि करूंगा। करीब 5 लाख करोड़ रुपए का जहर हम खरीदते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अभी राजीव भाई बोल रहे थे, हमारी माँ बहन बेटियों के शरीर में जहर घोल दिए, उनके दूध में जहर घोल दिए, उनको जबरदस्ती जो है क्या स्वरूप उनका बना दिया है कि वो अपने बच्चों को विष पिला रही है। हम एक किसान हैं तो हम संकल्प लेंगे कि हम विष मुक्त कृषि करके स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। ऐसा संकल्प अपने हृदय में लेना है हमको। जल का संरक्षण हम करेंगे, परस्पर अभिवादन में हम हलो हाय का प्रयोग नहीं करेंगे। चाहे आप कोई भी भारतीय शब्द का प्रयोग कीजिए, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में आप रहते हैं, अरे कम से कम ये बात तो मुसलमानों से ही सीख लो, वो कभी भी जो है हेलो हाय नहीं बोलते। अरे हम यहाँ पढ़े लिखे जो हो गए ना, हाय कैसे, और जितने पढ़े लिखे हैं मैं देखता हूं, जितने ज्यादा पढ़े लिखे, जितने ज्यादा बड़े, उतने ज्यादा सड़े। लेकिन ये बात कई जगह लागू हो रही है, हम पढ़े लिखे होकर के और पूरी तरह से अंग्रेजियत में डूब गए। प्रेम के नाम पर भी वो क्या मनाते हैं, वैलेंटाइन डे। इनको ये नहीं पता वैलेंटाइन कौन था, बस वैलेंटाइन डे मना रहे। क्या कर रहे हैं, बूढ़े बुढ़िया भी, हाँ वो फूल सा लेकर के कुटर कुटर, मैं तुम्हारे लिए प्रेम का फूल लेकर के आई हूं, ए थारा भला हो जाए। 468 ईस्वी में एक क्लोडियस नाम का महामूर्ख राजा हुआ, उसने कहा कि राज परिवार के लोग ही शादी करेंगे और दूसरा कोई शादी नहीं कर सकता। तो एक वेलेंटाइन नाम का एक चर्च में पादरी रहता था, वो लोगों की चोरी छिपे शादी कराता था। जब क्लोडियस उस महामूर्ख को पता लगा कि लोगों की शादी कराता, तो उसको फांसी पर लटका दिया, सूली पर लटका दिया। तो बोले उसकी याद में हम जो है ना ये वैलेंटाइन डे मनाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है, वैलेंटाइन डे का तुमसे क्या मतलब। हमारी तिथि, हमारी कालगणना, आज किसी से पूछो कौन सा सन चल रहा है, ईस्वी सन सबको पता है, विक्रम संवत किसी को नहीं पता या थोड़े लोगों को पता है, आज तिथि क्या है नहीं पता, डेट क्या है सबको पता है। हमारे दिन हमसे छूट गए, हमारे वर्ष हमसे छूट गए, हमारे काल की गणना हमसे छूट गई, हमारे अपनी चीजें हमसे छूटती जा रही हैं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना आचार, अपना शील, विदेशी लोगों में वस्तुगत विकास को मान्यता है, हमारे यहां विकास को मान्यता है। हम उपासना के जीवन में विश्वास रखते हैं, वो वासना के जीवन में, विलासिता के जीवन में विश्वास रखते हैं। वो मानते होंगे वैभव को, हमने तो त्याग को हमेशा पूजा है। हम भगवान श्याम को इसलिए नहीं पूछते कि उनके पास में करोड़ों अरबों की दौलत थी, हम इसलिए उनको पूछते हैं कि उन्होंने एक तरफ उनके लिए वनवास था और दूसरी तरफ राज्याभिषेक, उन्होंने विलासिता को छोड़ करके, महलों को छोड़ करके जंगल की राह ली थी, इसलिए हमने उनको पूजा था। हम वैभव की संस्कृति में नहीं, हम त्याग की संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग। अपना जन्मदिन हम मोमबत्तियां बुझा करके नहीं, घी के दिए जला करके, हवन करके मनाए। हमने क्या हो गया, मोमबत्ती जलाई, फूक मार दी, हे भगवान मेरी जीवन जो जल्दी बुझ जाए, क्या उल्टे काम में पड़ गए। अपने नामकरण हो, 16 संस्कार हो अपने, वो यज्ञ के साथ संपन्न हो। हमारा जन्मदिन जब पैदा होते हैं तब घर में यज्ञ हो, और जब जब जन्मदिन मनाया जाए तब तब घर में यज्ञ हो, और यज्ञ ना हो तो कम से कम दीप जला करके हम जन्मदिन मनाएं, वृक्ष लगा करके हम जन्मदिन मनाएं, किसी को खुशियां देकर के हम जन्मदिन मनाएं, मोमबत्तियां बुझा करके। मर्यादा, शील, यह हमारी संस्कृति है। दुराचार, व्यभिचार, ये सब कामाचार, ये हमारी संस्कृति नहीं। हमारे यहां पर मनोरंजन भूलने के लिए नहीं, मनोरंजन भी सीखने के लिए।
हमारे यहाँ पर फुर्सत के वक्त में हम लोग अलग अलग वेदों के पारायण यज्ञ किया करते थे, सोम याग आदि किया करते थे। आज सारा मनोरंजन किसके लिए? बिगड़ने के लिए और भूलने के लिए। हमारे यहाँ मनोरंजन भी सुधरने के लिए और सीखने के लिए होता था। जैसे कि अभी भाई राजीव जी ने बताया कि हमारा संगीत हो चाहे हमारा नृत्य हो, हमारी संपूर्ण हमारे जीवन शैली में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में भारत और भारतीयता, इसको हमें अपनाना है। तो हमें व्यवस्थागत गुलामी से मुक्ति पानी है, हमें विचारगत वैचारिक पराधीनताओं से मुक्त होना है, और तब ये संपूर्ण आजादी का हमारा अभियान, संपूर्ण स्वाधीनता का हमारा अभियान, भारत स्वाभिमान पूरा होगा। हम आत्म परिवर्तन से राष्ट्रमय परिवर्तन लाएंगे और इन महापुरुषों के और क्रांति वीरों का सपनों का भारत बनाएंगे। यही है भारत स्वाभिमान का अभियान। बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे।